हेलो, टीवी बहुत देख लिया, अपनी बेटी का एमएमएस देख। शिट, दिखने में तो बच्ची है लेकिन बाथरूम में कपड़े बदलते वक्त देखना चाहिए उसे। बहुत खूबसूरत बेटी पैदा की है। कुछ नहीं। That's good. बाथरूम की बातें बेडरूम में ही अच्छी लगती हैं। कौन हो तुम? क्रिकेटर प्रशांत वर्मा के बारे में जो रिपोर्ट तुमने बनाई है उसके पेज 14 पैरा 3 में तुमने जिस सेंटेंस को अंडरलाइन किया है, उन आत्महत्याओं की मिस्ट्री के पीछे मैं ही हूँ। मेहनत करने पर जो पसीना आता है उसे पोछो तो साफ हो सकता है, लेकिन जो डर से आए वो कभी साफ नहीं होता। एसी 25 पर है, 18 पर कर दो पसीना कम हो जाएगा। ए, कहाँ हो तुम? हेलो ऑफिसर, मैं हवा हूँ। हवा कहीं भी आ सकती है। रिसेंटली तेरी बेटी के बाथरूम में आई थी, अब तेरे बेडरूम में आ रही है। तुम्हें क्या चाहिए? पहला, फाइल क्लोज करो। दूसरा, जब भी कॉल करूँ उसे अटेंड करना। मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन किसी न किसी दिन किसी के हाथ जरूर पड़ेगा। उसकी भी कोई वीकनेस होगी। सबकी जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। उन्हें कैच करना और कैश में बदलना, दैट्स माय बिजनेस। माई ब्रदर इज ग्रेट, मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ मगर समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। वैसे आप क्या करते हैं? अरे कोई काम धाम नहीं करता, बैठा रहता है। और आपके भाई क्या करते हैं? भैया का कैरेक्टर एक मिस्ट्री जैसा है, शायद ही कभी किसी को समझ में आए। कम 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 जॉनी, कम ऑन, कम। ए, दिखाई नहीं देता है क्या? दिखाई देता है ना, तुम्हारी कजरारी आंखें, गुलाबी गुलाबी होंठ और ये चांद सा गोल चेहरा, सब दिखता है। ज्यादा बदतमीजी की ना तो पुलिस को कॉल करके अंदर करवा दूंगी। ए, अप्पू दादा नाम है मेरा, अगर मैं चाहूँ ना तो दाऊद को भी यहाँ लाके खड़ा कर सकता हूँ। कोई हाथ लगा के तो दिखा। लड़की को इस तरह छेड़ना बहुत ही गलत है, ये गलत काम कर रहे हो आप। भाषण दे रहा है, लड़की है तो देखेंगे ना, अच्छी लगी तो टक्कर मारेंगे। सुन, मूड हुआ तो छू के भी देख लेंगे, उसके लिए इतना ड्रामा क्यों? अभी तो सिर्फ टक्कर ही मारी है ना। एनी प्रॉब्लम? जानबूझकर टक्कर मार के परेशान कर रहा है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा साइड हो जाइए, मैं डील करता हूँ। जो मुझसे डील करने आता है वो व्हील चेयर पे जाता है। चल निकाल। चुपचाप इस लड़की को सॉरी बोल दे। अप्पू और सॉरी बोलेगा? किट्टू सॉरी बुलवाने तक छोड़ता नहीं। हीरो पंती दिखा रहा है। अरे रुको से, रुको से, अरे प्लीज रुको से यार, प्लीज। शायद उसे कुत्तों से डर लगता है, छोड़ दीजिए इसे। चुप हो जाओ बेटा, वो आ जाएगा, आ जाएगा। मैं अपने जॉनी के बिना नहीं जी सकती डैडी। I want my जॉनी back। वो लेकर आ जाएंगे। हेलो, भौ बॉय। काउ बॉय? काउ बॉय नहीं, भौ बॉय। भौ बॉय? ये आवाज तो हमारे जॉनी की है। जॉनी की? हाँ, तुम्हारे जॉनी की ही आवाज है, उसे हमने किडनैप किया है। कुत्तों को किडनैप करने के दिन आ गए हैं। यस, वी आर डॉग किडनैपर्स, यही हमारा प्रोफेशन है। कुत्तों को किडनैप करके पैसे मांगते हो, शर्म नहीं आती है? आपको किडनैप करके कुत्तों से पैसा मांगो ये अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं लगता ना सर। अगर ना दूं तो? अगर देंगे तो आपके कुत्तों के साथ आप नहीं रहोगे, कोरिया के लोग आपके कुत्ते को खा जाएंगे। अरे कुछ नहीं, बस डराने के लिए बोल रहा है, तू आराम कर। कितने चाहिए? 50,000। 20,000 में तो खरीदा था। सुहागरात के लिए कितना खर्च होता है? यही 10,000। फिर डिलीवरी के लिए? 1,00,000। समझ गया। कहाँ आना होगा? चार मीनार, पुरानी मस्जिद। क्या हुआ पापा? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ जी? सोचा था कि लड़कियां ही अनसेफ है, लेकिन यहाँ तो लोग कुत्तों को भी नहीं छोड़ते। उड़ा गया है पैसे।
कैश ओके। कुत्ता कहाँ है यार? उसके घर पे छोड़ दिया है। ऊपर वाले ने कुत्ते के नाम पे हमें इतना सारा कैश दिया है। जय निवासी बाबा। चल 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 चल। यार तू ज्यादा मत पिया कर, पुरानी बातें याद आ जाती हैं। लड़कियां और शराब एक जैसी होती हैं यार। वो कैसे? थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते ही कनेक्ट हो जाती हैं। कंटिन्यू करो तो हम मरते हैं। जिंदगी भर खाने पीने का, ज्यादा सोचने का नहीं, ऐश करने का। अगर ये ब्रांड नहीं तो दूसरा। दो पैक पीकर घर जाओ, टेंशन नहीं तो हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन प्यार नहीं करना चाहिए, हार्ट फेल हो जाता है। ये सिर्फ कोई लवर नहीं है, ये कोई ग्रेट फिलोसोफर है। हेलो, एक घंटे में आपके घर पे इनकम टैक्स क्रेडिट पड़ेगा। हेलो, कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो, इनकम टैक्स क्रेडिट पड़ने वाली है, जल्दी साफ करो सब कुछ। रेड डालने से पहले रेड के लिए कहाँ जा रहे हैं ये कभी नहीं पूछना चाहिए, याद है? सॉरी सर। फॉलो द प्रोटोकॉल। यस सर। बॉयज सो लेट्स गो। गहने पहन के क्या करेगी, डाल दे। सब कुछ सीज करके हेडक्वार्टर में भेज दो। आई एम आदित्य नारायण, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आपको फोन मैंने किया था। एक घंटे में आपके घर पे इनकम टैक्स क्रिएट पड़ने वाली है। निवासी बाबा इस राज्य में सबसे ज्यादा जाने माने स्पिरिचुअल गुरु। अगर इनके प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड करो तो व्यूज लाखों में होते हैं। एफबी पर पिक्चर अपलोड करो तो लाइक्स भी लाखों में होते हैं। निवासी बाबा के लगते बड़े बड़े टेंट हैं, ये भूमि पर भगवान के एजेंट हैं। सब हाथ की लकीरें देखकर भविष्य बताते हैं, लेकिन बाबा स्टोरी लाइन सुनकर उस सिनेमा का फ्यूचर बताते हैं। सीन अच्छे होने चाहिए, सीन अच्छे होने के लिए स्क्रीन प्ले अच्छे होने चाहिए। मेरे लास्ट फिल्म की कहानी भी आपको अच्छी लगी थी लेकिन वो हिट नहीं हुई। जी बाबा। तो कैसे होगी? मैंने कब रिलीज करने के लिए कहा था? समर सीजन में। आपने कब किया? बारिश में। पानी तो फिरेगा ही। अपना राजा वो कौन है? वही एसएस राजमौली। मेरी बात मानकर बाहुबली सीजन में रिलीज की उसने। देखो कितनी बड़ी हिट हुई। डेट के साथ साथ फेट भी बदलता है बच्चा। मेरे लिए समय सारी भक्ति ने वेट कर रही हैं। जाकर उन्हें अनुभव करना है, उन्हें अनुग्रह करना है। प्रेम के विषय में प्रेमाभिषेक सिनेमा में 12वें रील में 48वें सीन में स्वामी जी ने कहा है, देखो सिर्फ एक ही तरफ देखो, दूसरी तरफ देखने की कोशिश मत करो, नहीं सह पाओगे। इसीलिए हमें प्यार सिर्फ एक ही तरफ देख कर करना चाहिए। बाबा के प्रवचन तो अद्भुत ही हैं। बाबा की लीला महान है। बाबा जय मासी बाबा। बाबा आजकल मेरी जिंदगी बहुत ही बेकार हो गई है। दुर्भाग्य मेरे आसपास वाईफाई की तरह घूमता रहता है। एक भी शब्द बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ते की जिंदगी हो गई। बाबा आपको तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता रहता है। जब तक ये बाबा तुम्हारे साथ है तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। यू आर माई गॉड बाबा। जय मसीह बाबा। यार मुझे इस कुत्ते को देख के लग रहा है कि हम जितना मांगेंगे उतना देगा। मेरी बात पे यकीन कर यार। प्लीज यार, उस जिक्कू भाई का आधा कर्जा उतर जाएगा। अरे तुझसे पहले भी कहा था, हम जितना कम पैसा पूछेंगे उतना सेफ होगा। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? भाई आप ये बताओ पैसे कब दे रहे हैं? वही काम कर रहे हैं, दो दिन में ब्याज के साथ मूल भी आधा चुका देंगे। वो सब ठीक है, पहले ये बताओ हो कहाँ? वो हम अमरावती जा रहे थे लेकिन अब कन्नूर में है। कन्नूर से राइट में देख जरा। अबे तेरी, अबे निकल, अरे भागो। ए, भागो उसे। निकाल देते हैं, तू इधर जा, इधर आ। उसने क्या कहा? उसने क्या कहा सुनाई नहीं दिया भाई? तो रुक क्यों गया? मैंने जो कहा वो सुनाई दिया ना, चल भागो। ए रुक जा। भाग गया? चल 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 चल। हेलो, भाई
क्यों रे, काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया। पैसा लेने के बाद एक बार तो मिलना चाहिए था ना। इसलिए भाई अकाउंट नंबर मैसेज कर दीजिए, जैसे जैसे पैसे आएंगे हम दे देंगे। हमारे आदमी आ रहे हैं ना, उन्हें दे सकते हो। जब नहीं होते तब आ रहे हैं। जब हो तब नहीं दे सकते। हमारे पास ज्यादा नहीं है भाई, हम थोड़ा थोड़ा करके जमा करें, अमाउंट थोड़ा बढ़ा। भाई ब्याज देने में मुश्किल हो रही है, थोड़ा टाइम दीजिए, पूरा अमाउंट दे देंगे। तुम तीनों को देखकर क्या सोच रहा हो जानते हो? तुम तीनों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूं। ऐसा मत कहिए भाई, पता है सोसाइटी में आपका कितना बड़ा नाम है और पता है कितने लोग आपसे प्यार करते हैं। मतलब तेरे पास एक लड़की आई और बोली भाई से प्यार करती है? थोड़े दिन पहले एक लड़की आकर, तुम भाई को जानते हो ना, मुझे उनसे मिलना है ऐसा कह रही थी। बीच में भाई क्या है? आप मेरे भाई हैं, उसके नहीं, उसके तो कुछ और हैं। ओह ऐसी बात है। ए, भाई को फिर से याद मत दिला। अभी वो सब क्यों? क्या हुआ भाई? मैंने भी एक लड़की से प्यार किया। फिर शुरू हो गया। वो भी मुझे प्यार करती थी। हाँ फिर क्या हुआ? फोन पर कभी मिले नहीं हम लोग। अभी तक नहीं मिले? एक बार मिलने गया था उससे, उसके सामने घुटनों के बल बैठकर बाहें फैलाकर मैंने कहा आई लव यू। उस लड़की ने क्या कहा? वो मर गई बेचारी। हार्ट अटैक से क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा चेहरा है ही ऐसा। मेरी भी एक लव स्टोरी है भैया, इसलिए आपके इमोशंस पहचान गए। तेरी भी लव स्टोरी है? मेरी प्रेम कहानी भी इसी जगह से स्टार्ट हुई थी भैया। तेरी तो पहली बार उस लड़की को आपकी वजह से ही देखा था। मैं समझा नहीं, बता। बताऊंगा लेकिन आपको मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो टाइम दूंगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो तेरी किडनी निकाल लूंगा। ठीक है भाई। फ्लैशबैक में एक दिन अगर कल हमारी कार कंपनी बहुत सक्सेसफुल होकर टाटा टोयोटा की कंपटीशन में आ जाए ना, तो भी हमें ऐसे मिलकर रहना है। टोयोटा बाद में देख लेंगे, पहले दाल के लिए टमाटर कम पड़ेंगे, जाके लेके आ। अबे देख लेना, टारगेट अगर टोयोटा है तो टोयोटा आएगी, टमाटर है तो टमाटर आएंगे, और तेरे लिए तो वही ज्यादा है। अरे अपो आज का कलेक्शन कितना है? 9200 भाई। अपना टारगेट रीच होने के लिए और कितना चाहिए? टमाटर के लिए या टोयोटा के लिए? टमाटर के लिए जरूरत नहीं है और टोयोटा के लिए पूछना नहीं है। अबे गधे, सपने तो थोड़े कॉस्टली देख सकता है ना। हाँ, हीरोइन के साथ डेट पे जाने का सपना आया था, कॉस्टली है ना। किसी हीरोइन को भी डेट पे ढाबे पे ले गया होगा कंजूस कहीं का। यस केयर केयर। अबे केयर केयर नहीं होता बे, कार केयर। हेलो हेलो, 2345 कार रेडी हो गई है। वन सेकंड। हाँ 2345 कार, दो तीन घंटे लगेंगे बोल दो। एक घंटे में हो जाएगी। ओके, मैं जुपिटर होटल में हूँ, वहाँ पार्किंग लॉट में कार पार्क करके कीज ऊपर लाकर दीजिए। ओके श्योर मैडम। आपका नाम क्या सेव करूं? जानू, जानकी। चाहे कुछ भी कहो, फोन में लड़कियों की आवाज बहुत ही अच्छी लगती है। लड़कियां भी अपने बारे में यही सोचती है कि फोन पे लड़कों की आवाज बहुत ही अच्छी लगती है। मेरा सोना शानू। औरतों से सच बोलने वाला आज तक ऊपर नहीं आया, चाहे वो मैकेनिक हो या पति हो। तो कार रेडी करके रख, मैं फोन रिचार्ज करके आता हूं। छह बज रहे हैं, वैसे भी शाम को मुझे दिखाई नहीं देता, अब इन्हें कैसे मैनेज करूं? क्या हुआ, तूने तो कहा था कि 5 बजे बस स्टॉप पे आएगा, 5:30 बज रहे हैं। उसकी घड़ी बंद होगी भाई, आ जाएगा भाई। मतलब उसका किडनैप करने के लिए मुझे उसका वेट करना पड़ेगा? भाई अपन खाली हाथ गए तो जिग्गू भाई अपनी जान ले लेंगे भाई। बकवास बंद कर, उसे माफिया फील्ड में मैंने ही ब्रेक दिया था, बदकिस्मती से मैं साइड हो गया और वो मेरा बॉस बन गया। बोलो पारो। ये अभी अभी बाहर गए हैं, कम से कम आज तो आ जाओ ना। मैं तुम्हें 10 सालों से कह रहा हूँ सुबह फोन करने के लिए। तुम सनसेट के बाद फोन करती हो, मुझे दिन में ही मिलना अच्छा लगता है। कल सुबह आता हूँ तुमसे मिलने, ठीक है? ठीक है। ये फोन की कहानी क्या है भाई, रोज इसी समय फोन आता है उसके बाद आप रोते हो भाई। मैं और पारो प्यार करते थे, हमारी शादी का मुहूर्त रात में रखा गया था, मैं नहीं गया। जो गया वो नाइट वॉचमैन था, वो सुबह बाहर नहीं आता, मैं रात में बाहर नहीं निकलता। 10 सालों से ऐसे ही मामला पोस्टपोन हो रहा है। आप रात को बाहर क्यों नहीं निकलते हो भाई? मेरे और सूरज की ट्यूनिंग है, रात में नहीं दिखते। अरे भाई मेरे फोन में 50 का रिचार्ज कर। मून के साथ सबका मूड बनता है लेकिन मुझे गुस्सा आता है। ए, मैंने कहा था ना वो नहीं आएगा, और कितनी देर वेट करेंगे? थोड़ी देर और देखते हैं भाई। तू देख लेगा, मैं तो नहीं देख सकता। अरे अरे देख बारिश हो रही है, और कब तक वेट करेंगे? बारिश कहाँ हो रही है भाई, उसे तो टेप ऑन किया है। बारिश होगी तो मुझे दिखेगा नहीं क्या, मुझे अंधा समझ के रखा है? अभी यहाँ से निकल, टेप ऑफ कर और गाड़ी स्टार्ट कर। अरे हाँ बस स्टॉप पर पहुंच गया। वो आ गया भाई।
इसकी टाइमिंग कैसी की तैसी, सब कुछ ब्लर हो गया। कुछ कह के मैनेज करता हूँ। वो पैंट शर्ट वाला है क्या भाई? आपको जवाब नहीं, फोटो देखे बिना पहचान लिया, रेड टी शर्ट वाला ये भाई। आजकल तो धोती वाले भी पैंट शर्ट ही पहनते हैं। हम जाकर उसे लाते हैं, आप कार घुमा कर लो भाई। ऐसी हालत में कार घुमाऊंगा तो न जाने किसको ठोक दूं। ए रुक रुक, क्या समझ रखा है मुझे? मैं कोई ड्राइवर हूँ? ड्राइवर नहीं, डॉन हूँ। अगर मेरी सटक गई ना तो तुम सबके सब मरोगे। तू गाड़ी घुमा, मैं उसे लेके आता हूँ। इन बेवकूफों को तो मैनेज कर लिया, लेकिन इस ट्रैफिक को कैसे मैनेज करूं? ए देख के चलना। अरे दिखाई देगा तो देखूंगा ना भाई। एक्शन पर उतरते हैं तो टारगेट के सिवा ट्रैफिक भी नहीं दिखता भाई। अरे टक्कर मत मारो, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ए पब्लिक में नहीं तो फिर प्राइवेट में चले क्या? क्या कर रहे हो यार? अब भी वेट कर रहा हूँ बस का, पता नहीं कब आएगी। ऑरेंज? हाँ मैंने उसको बोल दिया था। ये भी ऑरेंज भाई है क्या? वसूली पर गए हैं पागल। बिना सिक्योरिटी के कर्जा देना और अकेले सड़कों पे घूमना, इतनी बार मना किया कि ऐसा मत क्या करो। अरे मैंने किसे कहा था आप किसे लेकर आ गए? इस फोटो में और उस लड़के में कोई फर्क नहीं है क्या? दोनों एक जैसे ही तो हैं। अरे मैं क्या इसकी तरह दिखता हूँ? अंधा है क्या? क्या बक रहा है ये? इसे कैसे पता चला कि मैं अंधा हूँ? थोड़ी देर में यहाँ जग्गू भाई आएंगे, उन्हें ये बात मालूम चलेगी ना तो फिर समझ लीजिए हम सबकी वोट लग गई। भाई भाई प्लीज भाई, आप ही कुछ करो भाई। फोन रिचार्ज करने बाहर आए तो पीछे से मार दिया, वो तो अच्छा हुआ मेरा सिर नहीं फूटा। ए भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। पहले इसका मुंह बंद करो। मार डालूंगा। ए जो कहता हूँ ध्यान से सुन, इसकी फैमिली को फोन कर और धमकी दे कि अगर लाख रुपए नहीं मिले तो मार देंगे। वो लोग लाख रुपए दे देंगे और भाई से कहेंगे कि अंजी की फैमिली ने मूल सूद चुका दिया है। अगर ये बात भाई को मालूम चली तो हाँ? बोल दूंगा कि ये आइडिया तेरे दिमाग से निकला है और इसे अपना गवाह बना दूंगा। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, मैं फंस जाऊंगा। पहले ये काम खत्म करो। निकाल रहे। ए, तेरे बाप का नाम क्या है? वो कहाँ रहता है? उसका नंबर दे अभी। मेरा कोई नहीं है, तीन दोस्त हैं बस, उन्हें भी टिफिन डिनर मुश्किल से मिलता है, इसलिए मुझसे आपका कोई फायदा नहीं होगा, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जवान लड़के हो, गर्लफ्रेंड तो होगी ना? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भैया। चुप कर, बस मोबाइल निकाल रहा हूँ। तूने कहा कि गर्लफ्रेंड नहीं है, तो फिर ये जानू नाम किसका है? अबे जानू मेरी लवर नहीं है, उस लड़की का नाम जानकी है, शॉर्टकट में जानू है। हेलो, तुम अब तक नहीं आए, तुम्हारे लिए एक घंटे से वेट कर रही हूँ, कब आ रहे हो? पूछ रही कब आ रहे हो, डेटिंग है क्या? तेरा सिर वेटिंग, कार डिलीवरी के लिए कॉल किया है। हेलो, मैंने पूछा कब आ रहे हो? कहाँ पर आना है? जुपिटर होटल, आकर किस देने वाले थे ना? किस बोला? हाँ? तू कार बोल रहा है, वो किस बोल रही है? किस किस क्या है? वो ही जो तू होटल में देने वाला था। हेलो, कितनी देर वेट करूँ, जल्दी आओ ना। भाई इस लड़के की गर्लफ्रेंड का दिल तो किसके लिए धक 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 कर रहा है? उसको किस, किस नहीं बे, कीज, बड़ी ई की मात्रा। भाई ये कीज का मतलब क्या होता है? कीज मतलब चुम्मा, कीज का मतलब बहुत देर तक एक दूसरे को चूमते रहना। हेलो, ए सुन, तुझे एक बात बोलता हूँ, तेरे बॉयफ्रेंड को मैंने किडनैप कर लिया है, तू लाख रुपए देगी तब हम इसे छोड़ेंगे, और अगर नहीं दिया तो समझ ले ये खलास। सी, यू आर मिस्टेकन, आई हैव नो रिलेशनशिप विद हिम, ही इज जस्ट सपोज्ड टू डिलीवर माय कार टू द होटल। हाँ हाँ हाँ, पैसा दे और इसे लेकर जा, अब तेरे हाथ में ही इसकी जिंदगी है। एड्रेस लिख ले, अमीर पेट ओल्ड बंगलो। चलो बाय। ए, तुम लोग फैन का स्विच दबा कर लाइट का जलने का वेट क्यों कर रहे हो? ये नहीं होगा। ए, उस लड़की का और मेरा कोई संबंध नहीं है, उसने तो मुझे देखा भी नहीं है। अगर वो लड़की आई तो तेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं आई तो कस्टमर है। ओल्ड बंगलो, ओके। भाई कोई लड़की आई है? क्या फोन आपने किया था? हाँ भाई, देख रहे हैं क्या दिखती है भाई? हाँ देखा, लेकिन रंग थोड़ा फीका है। क्या भाई, कितनी तो लाल है ये। ए लाल तेरे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। हेलो एक्सक्यूज मी, ये पैसे लेकर उसे छोड़ दीजिए। दिखने में तो तुम इतनी अमीर लगती हो, इतनी खूबसूरत हो, लेकिन प्यार करने को वो टपोरी मिला था। व्हाट? मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा। इसने बिना किसी जान पहचान के लाख रुपए दे दिए, ये जरूर अमीर होगी। इसे पकड़ के इसके बाप को फोन करेंगे ना तो लाख क्या, 10 लाख रुपए मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, आपका भी जवाब नहीं भाई, क्या जबरदस्त आइडिया दिया आपने। भाई हाँ, वो लड़की आई इसलिए बच गया, नहीं तो जिग्गू भाई तेरी हड्डी पसली एक कर देता। ये क्या, ये खुद से बातें कर रहा है? सिगरेट पियोगे? कॉमन सेंस नहीं है लेकिन कर्टसी तो है।
जला ले। कितनी देर कर रहा है, जल्दी कर। अबे अरे मर गया मैं। अरे उसे ऐसे क्यों मार रहा है? अरे मैं कहां मार रहा हूँ, वो मुझे मार रहा है। मैंने उससे ही कहा था। अबे पकड़ो उसे, पकड़ो। हेलो हेलो, आपने ये क्या कर दिया? उन्होंने पैसे क्या मांग लिए आपसे, तो आपने रिस्क उठाकर लाख रुपए दे भी दिए। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी दुनिया भर के पैसों से भी एक जान नहीं बचाई जा सकती। ऐसे में लाख रुपयों के लिए एक जान को कैसे जाने दे सकती थी? क्यों, सही कहा ना मैंने? एक अनजान इंसान के लिए आपने जान बचाने के लिए जानना जरूरी नहीं है ना। ऑटो कार कल लेकर आइएगा, टेक केयर। देखकर पता चला लड़की सुंदर है, लेकिन जब उसका दिल देखा तो पता चला उसका मन भी उतना ही सुंदर है। नेक्स्ट डे कार डिलीवरी के लिए कॉल किया तो उसने कॉलेज जाने के लिए कहा। ये ठीक है? अरे सुपर, लड़कियों की बहार है। मैं देखकर सोचा था सुंदर है, डेलाइट में तो और भी सुंदर लग रही है। हाय। हाँ हाय, चल कीज दे। ये बालू। हेलो। ये बॉब जी। हेलो। और वो अप्पू। गांव से और लोगों को भी बुला लेते। भाई तुम्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा ही आता है। भाई कहो। मतलब ये फेस देखकर कंफ्यूज हो गया। क्लास से आ रही हो ना? नहीं, स्टेज शो करके आ रहे हैं। ये तबला बजाती है और मैं मृदंग बजाती हूँ। वाह क्या बजाती है। आपकी कार रिपेयर हो गई है, एक बार टेस्ट ड्राइव करेंगे? धक्का मार कर लाए हो? नहीं नहीं, चला कर लाए हैं। तो फिर टेस्ट ड्राइव क्यों, टाइम पास के लिए? मतलब आपकी कार का इंजन बहुत स्मूथ है। ऑयल कौन सा यूज करती है बता देंगी तो अपने कस्टमर्स को वही रिकमेंड करूंगा। नवरत्न हेयर ऑयल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिएगा। हमारे पड़ोस में काम वाली नहीं आ रही है, बहुत प्रॉब्लम है। आप आके काम कर सकते हैं? कार में कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करने के लिए कह रहा हूँ। ओके, क्लास का टाइम हो रहा है, कीज देंगे। थैंक यू, बाय। भगवान की मर्जी से एक बार मिले थे, लेकिन अब दोबारा कब मुलाकात होगी ये नहीं पता। पहली बार तो भगवान मिला देते हैं यार, दूसरी बार हमें खुद कोशिश करनी पड़ती है। मत ले, शाम तक उस लड़की की कार आ जाएगी, नहीं तो देखना कॉल आ जाएगा। कॉल क्यों आएगा यार? क्योंकि उस लड़की की कार खराब हो जाएगी। क्या कहा था? ए जानू का फोन है यार, उठा ना। हेलो, मेरी कार खराब हो गई है। सच में? हाँ सच में। कहाँ, क्या हुआ? कॉलेज से आते वक्त कार खराब हो गई। कार्बोरेटर खराब हो गया होगा। हाँ?
मतलब उस दिन इंजन प्रॉब्लम आई थी ना, तो अब कार्बोरेटर प्रॉब्लम आएगी, इसका ये मतलब था। ओ आप एक घंटा रिलैक्स कीजिए ना, कार हम अभी रिपेयर कर देते हैं। क्या कहा, एक घंटा? अगर आपको अर्जेंट काम है तो बताइए, ये बाइक पर ड्रॉप कर देगा। इसके साथ जी मैं नहीं जाऊंगी। घबराइए मत, इसने एक साल सर्कस में काम किया है, आपको बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। हा? आप इस सब की टेंशन मत लीजिए, आप तो बस कॉफी शॉप पे जाके कॉफी पीजिए, आप पीते रहिएगा, ये बोलता रहेगा, इतने में तो हम गाड़ी ठीक भी कर देंगे। आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? चार हैं मेरे। बॉयज के बॉयफ्रेंड होना तो कॉमन चीज है, इसलिए इन्हें पूछ रहा था। वैसे ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए क्यों? मतलब बॉयफ्रेंड की भी तो कार होगी ना, उन्हें भी हमारे गैरेज में लाने को कहिए। अच्छा कवर किया। आपके पापा क्या करते हैं? सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे क्यों का क्या मतलब होता है, कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। कुछ बात करने के लिए कार कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी, माइलेज कितना देती है, ये सब भी तो पूछ सकते हो, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों? चुप ना। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। बिस्किट खाओगे? नहीं नहीं आप खाइए ना, आप क्लास टॉपर है ना? आपको कैसे पता? आपकी तरह साइलेंट रहने वाली लड़कियां अच्छे से पढ़ती हैं। क्रीम बिस्किट चाहिए? वन सेकंड। जिस गाड़ी में साइलेंसर ना हो ऐसी गाड़ी को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर इस बार आवाज करे तो उसके पुर्जे तोड़ देना। बाय। एक्चुअली एक घंटा हो गया तो चलते हैं। क्या एक घंटा हो गया? आपसे बात करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। वेटर बिस्किट पुराने हो गए हैं, अगली बार बदल देना। क्या बोलता है, अब तक तो पटा लिया होगा ना? आपकी कार ठीक हो गई? थैंक यू। क्या रे कुछ काम बना क्या? कहाँ यार, वो कबाब में हड्डी बन के बैठी थी ना। तू टेंशन मत ले, किसी ने किसी दिन ये कार लेके अपने गैराज में आएगी ना तो ब्रेक निकाल देंगे। इसलिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ। हर रिपेयर के लिए पूरी गैंग का आना जरूरी है। ये गैंग नहीं है, इट्स अ टीम, सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट्स हैं। पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ, पता होना चाहिए, वायरिंग प्रॉब्लम है ना। हाँ? चाहे जितना बड़ा एक्सपर्ट हो देखे बगैर बताना गलत है। हाँ, बेटा। सडनली कार खराब हो जाती है, परसों एक बार, कल एक बार, आज फिर खराब हो गई। आपके गैराज में लाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। किट्टू वायरिंग प्रॉब्लम एक्सपर्ट है। बस थोड़ा वायरिंग इशू है ना, दो घंटे में ठीक कर ही देंगे। दो घंटे लगेंगे? हाँ, इन दो घंटों में हम थिएटर में मूवी देखेंगे और किट्टू हमें कंपनी देगा, है ना? Exactly. ये देखिए मेरा दोस्त टिकट लेकर भी आ गया। वाह, पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हो, चलो चलते हैं। अबे तुझे हॉरर मूवी मिली थी क्या? रोमांस करने के लिए हॉरर मूवी सही होती है यार, तभी तो टचिंग हगिंग होती है। अरे क्या हुआ, आप मूवी खत्म होने के बाद बताए बिना ही चली गई? बहुत डर गई थी क्या? मुझे ऐसी हॉरर कॉमेडी मूवी बहुत पसंद है, और आपको? मुझे भी, स्क्रीन पर हॉरर और उसे देखते वक्त आपने जो कॉमेडी की दोनों अच्छे थे। वैसे प्रॉब्लम क्या है? क्लच लॉक हो गया है। ऐसा कैसे हो गया, लॉक तो गियर होना चाहिए ना। आपको कैसे पता कि गियर लॉक होगा? ये तो एक साइड इफेक्ट होता है ना, जैसे जैसे इंजन प्रॉब्लम आती है वैसे वैसे गियर लॉक हो ही जाता है। किट्टू अगर चाहो तो कल से मैं ही गैराज आ जाऊंगी। नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके कार खराब मत करो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप 10 मिनट अंदर बैठिए, मैं कार ठीक करके आता हूँ। आप लोग ग्रेजुएट्स हैं? कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, लीज पर ये गैरेज चलाते हैं। मतलब आपकी कॉलेज से फ्रेंडशिप है? उससे भी पहले से। कॉफी? ओह, शहर के बाहर जो अनाथालय है ना वो हमारा ही है। वाओ, आप लोगों ने बनाया? नहीं, हम वहाँ बड़े हुए। सॉरी डैडी, हमेशा ऐसा ही करते हैं। आज लेट क्यों आया? डैडी से झगड़ा हो गया। ओहो, यार किट्टू गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गियर ब्लॉक हो गया शायद, एक बार देखना जरा। बाय भैया। बाय बेटा। वो कौन है? सनी नाम है उसका,
उसका बाप उसे काम पर भेजता था और ये उसे स्कूल भेजता है। मंथली सैलरी और उसकी फीस भी देते हैं। हम कहते हैं हमें क्या करना है, इसके माँ बाप देख लेंगे, पर ये सुनता ही नहीं। उन्हें बोलो कि बच्चों से काम नहीं करवाते। अगर मना कर दिया ना तो उसे दूसरे गैराज पे काम पे लगा देगा। जैसे ऑक्सीजन के बिना इंसान मर जाता है ना, एजुकेशन के बिना इंसान का फ्यूचर मर जाता है, ये इसकी फिलोसफी है। हमारी इतनी सारी प्लानिंग के बावजूद वो फ्रेंड कह के चली गई यार। उसे तेरी फीलिंग समझ भी आ रही है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार। मुझे भी नहीं लगता। फीलिंग्स में म्यूजिक ऐड करके अब उसे मैं अच्छे से समझाऊंगा। हेलो, कौन? मैं किट्टू बोल रहा हूँ, फ्रॉम कार केयर। कार रिपेयर की थी ना, तो पता करने के लिए कॉल किया कि कैसी है। कल ही रिपेयर करवाई थी ना, इतनी जल्दी क्या होगा? नहीं मतलब रिपेयर की थी ना, तो डेली एक बार कॉल करके हालचाल पूछना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरूरत नहीं है, कुछ होगा तो मैं फोन कर दूंगी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ही करूँगा। मैं करूँगी। मैं करूँगा ना। कहा ना नहीं। कहा ना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जानकी, कुछ समझ में आया? बच्चे समझ रखा है क्या? देखो ये फेसबुक व्हाट्सएप ज्यादा यूज मत करना, समझ में आया? आ रहा है। किट्टू, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आई तो तुम प्रपोज कैसे करोगे? मैं प्रपोज नहीं करूंगा। तो फिर? प्यार तो एक फीलिंग है, अपनी फीलिंग सामने वाले को समझ में आनी चाहिए, उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, समझ लेना चाहिए। अगर समझ नहीं आई तो? अगर अपने प्यार में सच्चाई हो तो पक्का समझ में आएगा। मतलब क्या मेरे प्यार में सच्चाई नहीं है? तुम्हारा प्यार तो तुम्हें मेरी फीलिंग समझ नहीं आ रही है ना? ए, सुनो रे, हमें अपनी बताई हुई कीमत पे गैराज मिल रहा है यार। फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। क्या बात कर रहा है यार तू? 3 महीने में रजिस्ट्रेशन है। सच में? सच में? हाँ। लेकिन मेरा मन तो वैजाग में ही लगा हुआ है, तू जो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आएगा। ए, देख भाई, कर्जा लेने के बाद फ्रेंड और ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड, फोन नहीं उठाती, ऐसा सब जानते हैं यार। अबे तेरी तो, तेरे मुंह से अच्छी बातें निकलती नहीं है क्या? जानू। हाय। वन वीक कहा था, 4 दिन में आ गई। मिस किया मुझे? नहीं करूंगी, तभी तो जल्दी वापस आ गई ना। ए, सुना ना? हाँ सुना। एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आई हो? हाँ, आधे घंटे में हॉस्टल नहीं पहुँची तो वार्डन एंट्री नहीं देगी, फिर भी तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ चली आई। मेरी जान, मेरी रानी, मेरी डायमंड। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, 1 हफ्ते में मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो रही है, जुबली हिल्स में घर लिया है, उसके बाद ही मैं तुम्हें मेरे पापा से मिलवाने लेकर जाऊंगी। सुन लिया, मेरी शादी भी फिक्स हो गई है। सोचा था गैरेज खरीद कर ओनर बन जाएंगे, अगर तेरी शादी हो गई तो मैडम के पास फिर से वर्कर बन के काम करना पड़ेगा। व्हाट? तुम गैरेज खरीद रहे हो? मैडम के फीट, पाव, हमारा फेट ही बदल गया। ठीक है, देर हो रही है, मुझे जाना है। जानू, 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 थोड़ी देर रुक जाओ। जानू प्लीज थोड़ी देर रुको ना। देखा, कार भी जाना नहीं चाहती। किट्टू, देर हो गई है, कैसे जाऊं? बाइक से, चलो चलते हैं। थैंक यू किट्टू, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। जानू, क्या है? कुछ नहीं, वो तुम कुछ मांगना चाहते हो? थोड़ा उधार दोगी मुझे? कल मैं लौटा दूंगा। कितने? पैसे नहीं मांग रहा हूँ, किस। ओके, किस चाहिए तुम्हें? और कल वापस भी लौटा दोगे? ज्यादा रोमांटिक मत बनो। ऐसा क्यों कह रही हो? देने पर लेने की फीलिंग और लेने पर देने की फीलिंग किस में ही तो है, दे दो ना। नो वे, ये सब शादी के बाद। शादी के बाद? तो फिर प्यार क्यों किया, सिर्फ देखने के लिए? शादी के बाद जो करते हैं उसे शादी से पहले करने के लिए ही प्यार क्रिएट किया है। प्लीज सिर्फ एक बार। किट्टू, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, प्लीज दे दो ना एक बार।
अरे मारूंगी मैं। जानू इसका एक्सप्रेशन तो देख। भाई भाई किस मैंने किया है भाई? फील मैं कर रहा हूँ। फील भी तो मैं ही करूंगा ना। हाँ तो तू ही करना यार। हाँ तो ठीक है। हाँ तो फिर तुमने डुएट भी गाया? डुएट क्यों भाई? लिप लॉक के बाद गाना गाते हैं ना। क्या भैया किस जमाने से हो, आजकल गाने कौन देखता है, हम तो सीधा सीन देखते हैं। ये लो रे सबका बोनस अमाउंट, तेरे 3000 और तेरे भी 3000। दो दिन बाद वापस आ जाना। ठीक है भाई। ठीक है। ए कार रिपेयर हो गई? हाँ प्लग प्रॉब्लम थी वो हो गई। यार जानकी की कार में ये बैग था। मैं ही तुम्हें कॉल करना चाहती थी। क्यों? किसको भूल नहीं पा रही हूँ। क्या इसलिए बैग भूल गई? ओह नो, उसमें 25 लाख हैं। 25 लाख? बोला था ना प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पापा ने एडवांस देने के लिए भिजवाए थे। हाँ? तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? और शादी के बाद तुम घर कैसे संभालोगी? संभालने के लिए तुम हो ना, टेंशन नहीं है, तुम्हारे पास रखो, कल सुबह ले जाऊंगी। मैं क्यों? अभी मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। किसके लिए आ रहे हो, मैं सब जानती हूँ। यार कभी सोचा नहीं था कि पैसे दे। फोन पर दे रही हूँ, एडजस्ट कर लो। जानू कल सुबह आकर बैग ले लेगी, अंदर रख दो। ठीक है रख देता हूँ। ठीक है यार। किस दे यार? ये ले। ए, ए, किटू, किटू, ए, उठ यार, उठ, उठ, जल्दी। सुबह सुबह क्या हुआ? अरे बैग में पैसे नहीं है यार। अरे बॉब जी ने कहीं रखा होगा यार। अरे यार वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। पैसे बहुत बुरे होते हैं यार, मुझे भी बुरा बना दिया। अपनी जिंदगी ग्रीस के दागों के साथ गैरेज में ही बीत गई, इसलिए अपनी बची जिंदगी को और इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए पैसे लेकर भाग रहा हूँ। मुझे ढूंढ कर टाइम खराब मत करना। अरे यार थोड़ी देर में जानू आ जाएगी, अब क्या करें? इसमें क्या हुआ यार, जो हुआ वो बता देंगे, वो भरोसा नहीं करेगी क्या? वो तो भरोसा कर लेगी, उसका बाप नहीं करेगा, कहेगा 25 लाख नहीं संभाल सका तो क्या मेरी बेटी को खाक संभालेगा? अरे यार हमने गैराज खरीदने के लिए पैसे बचाए थे ना, उसमें 10 लाख तो होंगे ही, और 15 लाख अरेंज करके उसे दे देंगे ना। तू पागल हो गया क्या? अबे उसमें तो तेरे पैसे भी हैं। ए, क्या बोल रहा है रे? तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है क्या? सिक्योरिटी के बगैर कर्जा देने वाला मेरी पहचान में एक है। फाइनेंस कंपनी का नाम लेके तू हॉस्पिटल क्यों लेके आ रहे? बेचारा सिक्योरिटी के बगैर पैसा देता है, भागने वाले ज्यादा हो गए हैं, शायद प्रॉपर्टी हॉस्पिटल को बेच देगी। यार तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू यहाँ पर क्यों आ गया? भाई, एक बात बताओ, फाइनेंस कंपनी हटाकर यहाँ हॉस्पिटल शुरू किया गया? वो इसलिए कि हमारे बिजनेस में रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो भाई ने टाइम बचाने के लिए हॉस्पिटल यहीं पर खुलवा दिया। भाई आए हैं क्या? वो अंदर बैठे। भाई ये लोग कौन है? अरे आप भूल गए, उस दिन हमें मारकर भाग गया था, ये वही है। हिम्मत तो फिर से मेरे सामने आ गया। अरे भाई उसने नहीं, इसने मारा था। बगल में तो ये था ना? तब ये था ही नहीं, अभी तो है ना। आपको क्या हो गया भाई? तू बच्चा है, बड़ा होगा फिर समझ में आएगा। तुम लोग क्यों आए हो? उस दिन पैसे लेने के लिए मुझे लेकर आए थे ना भाई, आज पैसे लेने के लिए मैं खुद। ऐसा क्या? मेरी एक कंडीशन है, उस दिन की सारी बातें भाई को मत बताना। नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। क्या? मन चाह कर्जा दे। हमारा तो धंधा यही है। कौन है ये लोग? कर्जे के लिए आए हैं भाई। हे बताओ कितना चाहिए? 15 लाख भाई। फॉर्मेलिटीज पूरी करके पैसे दे दो। हे भाई मैं तो मुझे भगवान दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो निमासी बाबा दिख रहे हैं। शुरू में बाबा लगते हैं, अंदर आ जाओ। ये क्या? कर्जा देते वक्त बीपी चेक करवाते हैं। ब्लड सैंपल। सैंपल क्यों? फॉर्मेलिटी। कर्जा देने के लिए लोग आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ मांगते हैं, लेकिन ये लोग तो ब्लड ग्रुप मांग रहे हैं। बिना सिक्योरिटी का धंधा है, तुम्हारी सेहत हमारी जरूरत है। ये क्या है? आंखें गई ना? बगल में आंखों का क्लिनिक होगा, नशे में चिल्ला रहा होगा बेचारा। नशा ना चढ़ने पे चिल्ला रहा है। 10% ब्याज। 10% ब्याज? इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दे। आंखें अच्छी है तेरी। छोड़। ओके। ये भी ओके। जय निवासी बाबा जय। यार अपना बाप जी बुरा है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है। ऐसा क्यों? पैसा लेके गया और कार छोड़ दिया इसलिए? अरे नहीं यार, बैग छोड़ गया इसलिए। देख ना पैसे तो अरेंज हो गए, बैग कहाँ से लाते रे? हाय जानू, तुम आ गई, कब आई? अभी तो आ रही हूँ। ये लो बैग, ये लो कीज। ओके थैंक यू, आई हैव टू लीव। जानू पूरे हैं या नहीं चेक कर लो ना। इसमें चेक क्या करना यार, सेम बैग है, सेम कैश है, क्या फर्क पड़ेगा?
ऐसा क्यों कह रहा है? बैग और कैश दोनों उसके ही है ना? अजीब बातें करता है तू भी। तुम लोगों को क्या हुआ है? टेंशन क्यों ले रहे हो? ये ऐसे ही बकता रहता है, तुम उसकी बातें मत सुनो। चलो चलो चलो। रुको रुको किट्टू, क्या कर रहे हो? वैसे बॉबजी कहाँ है? हाँ बॉबजी कहाँ है? बॉबजी कहाँ है? बॉबजी कहाँ है? बॉबजी, बॉबजी। अरे वो अनाथ है ना? हाँ वो तो अनाथ है। मतलब उसकी दादी भी अनाथ है, इसीलिए। दादी अनाथ है? अरे हाँ जानू, जानवर जानवर को जन्म देता है, इंसान इंसान को देता है, अनाथ अनाथ को देता है। तू चुप कर, तुम बैठो ना। ओके जाओ किट्टू। ऑल ओके? ऑल ओके जानू, तुम जाओ ना। दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे एक महीने का ब्याज चुका दिया, लेकिन जब हमारे अप्पू को आप उठा कर लाए तब समझ में आया कि कर्जा लेना क्या होता है। भाई, 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 इसका कोई लेना देना नहीं है, कर्जा चुकाने की जिम्मेदारी मेरी है, इसे छोड़ दीजिए भाई प्लीज। किडनी तो अपन इसका निकालने वाले हैं, ज्यादा बड़ा है, तेरा भी निकाल लेंगे। भाई कर्जे की सिक्योरिटी के लिए आप कुछ और भी तो ले सकते थे ना, बॉडी के पार्ट्स क्यों? हेलो भाई है क्या? एक मिनट भाई, बोलिए। पार्ट चाहिए? बताइए कौन सा पार्ट चाहिए? सेंसर पार्ट। सेंसर पार्ट चाहिए? सेंसर पार्ट काट दो। 5 मिनट में पार्सल कर दूंगा। भाई 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 ये फोन काट दो ना, सेंसर पार्ट गर्भदान के अलावा और किसी दान के काम में नहीं आता भाई। इज इट ट्रू डॉक्टर? आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये सिलेबस तो मेरे कोर्स में था ही नहीं भाई। काटने के लिए कोर्स की क्या जरूरत है? काट दो भाई 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 भाई। ओके ओके, एक हफ्ता ब्याज पूरा चुका दूंगा। ए पक्का? पक्का दे दूंगा भाई, भरोसा करो प्लीज, नहीं तो मेरा हार्ट मेरा दिल निकाल के दे दूंगा। जा ए चल 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 चल, खींच 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 जल्दी। ब्याज के लिए किडनी निकाल रहा था, मूल के लिए क्या निकालेगा समझ नहीं आ रहा है। डर मत यार, सबके लिए बाबा है ना। बाबा अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ ना। इसे क्या हुआ रे? हमारा पप्पी लापता है, जो लाएगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे। तू क्या चाहता है, उस कुत्ते के लिए हम लोग गली गली झक मारे? बाबा है ना यार, पोस्टर दिखाने वाले भगवान ने पप्पी को भी तो दिखाया है। सेम टू सेम है यार। हाँ सही बोला। ए नीचे देख। अरे हाँ यार, कहाँ गए? भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, सब कुछ निवासी बाबा की दया। जय निवासी बाबा। एक बात बता यार, 15 लाख के लिए कितने कुत्तों को ले जाना पड़ेगा? ले जाने से नहीं, उठा कर ले जाने से आएंगे। एक कुत्ते को ले जाने पर 10,000 दे रहे हैं, तो उठा कर ले जाने पर और कितना देंगे? कुत्तों का किडनैप यार, कैसी चीप बात कर रहा है। थिंक न्यू यार, इंसानों को किडनैप करने के लिए प्लान चाहिए, कार चाहिए, डेन चाहिए, खाना भी चाहिए, और कुत्ते को क्या, हाथ में उठा कर ले चलो, हम जो खाते हैं उसमें से एक हड्डी डालो, खुश हो जाएगा वो। और अगर पकड़े गए तो? इंसान तो कोर्ट में जाकर गवाही दे सकता है, बेचारा कुत्ता क्या करेगा, वो तो बेजुबान होता है, नहीं बोल पाएगा। किडनी बचाने का दूसरा तरीका नहीं है। एग्जैक्टली। पर यार कुत्ते के लिए उतने पैसे देंगे क्या? एक जमाने में कुत्ते इसकी तरह जस्ट एनिमल्स थे, लेकिन अभी पैसे वालों के स्टेटस सिंबल है। एक पैसा भीख ना देने वाला भी बिल्डिंग कुत्तों के नाम कर रहा है, इससे अच्छा तो कुत्ता ही बन जाता है। गली का कुत्ता बनेगा, घर के लोगों को कुत्तों की तरह देखते हैं और कुत्तों को घर वालों की तरह। और वैसे भी हम कितना मांगेंगे, 25 या 50? वाह तुझे ये आइडिया आते कैसे है? सौभाग्य कार दिखाता है, दुर्भाग्य राह दिखाता है, ये बात है। और वहाँ दिख रहा है कुत्ता। लेट्स गो। हे जूली, नो नो। नमस्ते मैडम। हे जूली, गो स्लो। वो हंसी क्यों? इससे हमें ये पता लगता है कि लड़कियाँ उन्हें फॉलो करने से नहीं बल्कि उनके कुत्तों को फॉलो करने से पड़ती है। तू चुप कर, मैं वॉचमैन का ध्यान डाइवर्ट करता हूँ, तू कुत्ते को उठा कर लिया। ए भाई, माचिस है क्या? हा? और क्या? ये तो वही बात हो गई, छोटा सा पैकेट और बड़ा धमाका। छोटा क्यों, मेरे जितना है। अंदर एक और है। 3 है। गया काम से। अरे बचाओ! ये क्या कर रहे हो? अबे चल चल चल, जल्दी चल चल चल, ये चल चल। हाँ बैठ बैठ बैठ। चलिए। बुरा हाल कर दिया।
अपना है? अपना ही है। परसों दूसरा था ना? नया पेट केयर सेंटर शुरू किया है, तुम आओ ना। हाँ, चलो। हाय गर्ल्स। ही इज सो हॉट, आई लाइक हिम। ये क्या फॉरेन परफ्यूम है क्या? अरे लेकिन हाँ, पसंद आया? तेरे लिए तो लाया था। थैंक्स यार, कुत्तों के पीछे भाग भाग के पूरी बॉडी से कुत्तों जैसी बदबू आ रही है। इसे मीट स्प्रे कहते हैं, इसे लगाने पर हम कुत्तों को मोटी हड्डियों की तरह दिखाई देते हैं। ऑल द बेस्ट। आजकल ब्रेकअप्स के लिए भी पार्टी होती है। Hey guys, hope you're enjoying the party. Hi Shailu, मैंने बताया था ना मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में? ये है किट्टू, कृष्णमूर्ति। ओह, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को आई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आप करते क्या है? कार केयर, शहर का फेमस गराज। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है, अपने दम पर कुछ बनने की कोशिश कर रहा है ये। ओहो, कुत्तों को किडनैप करके? व्हाट? जानू, इसे कुछ गलतफहमी हो गई। चलो हम यहाँ से चलते हैं। वेट 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 वेट, कुत्तों को किडनैप करके मतलब? वही तो इसका धंधा है, और इसके साथ दो लड़के हैं जो ये काम करते हैं। इनका तो पूरा गैंग है। हमारे कुत्ते को किडनैप करके हम ही से 50,000 रुपए ले रहे हैं। तुझे ये कहाँ से मिल गया? पढ़ी लिखी हो, इंसानों को पढ़ नहीं सकती? आई पिटी यू जानू, और तू निकल यहाँ से। दिस इज टू मच। जस्ट शट अप। ऐसा कुछ नहीं है जानो। जो पूछूं उसका जवाब दो। जिन कुत्तों को मैंने गैराज में देखा था, उन सबको किडनैप किया था, पेट केयर सेंटर शुरू किया था। अच्छा, ऐसा है क्या? हे, पेट किडनैपर, क्रिएटिव है ना? गुड गुड, इंटेलिजेंट। जानू, 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 प्लीज जानू, मेरी बात सुनो, मैं पूरी बात बता। जस्ट शट अप। देखा ना सब कैसे हंस रहे थे। कभी ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे बस 5 मिनट दो जानो। तुम्हें तो अपनी लाइफ देने वाली थी। जानो, मेरा प्यार सच्चा है जानो। छी, प्यार नाम का शब्द भी तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। यू आर नॉट फिट टू लव। मासूम कुत्तों के प्यार को कैश में बदलने वाला लड़की के प्यार को कैश में नहीं बदल सकता क्या? कल मेरे प्यार को बीच में रखकर मेरे पापा को ब्लैकमेल नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी? अब आदत जो पड़ गई है। उस लड़की को उठाकर ले आऊं? किस लड़की को? जानू को। क्या बात कर रहे हो? नहीं भाई, इंसानों को किडनैप करना क्राइम है, कुत्तों को भी किडनैप नहीं कर सकते क्या? हे भगवान। अरे, छोटे छोटे सपने हैं तुम्हारे। एक तरफ जिग्गू को पैसे देना है, दूसरी तरफ लड़की को ट्रीट गिफ्ट देना पड़ता है। प्यार के लिए कर्ज लिया था ना, इतना भी नहीं समझ सकती वो? जाने दो भाई, उस लड़की को नहीं पता ना। तुझे बताने देती, ब्रेकअप बोलकर चली गई। ये जिग्गू कर्जा स्वीकार करता है, ब्रेकअप नहीं करता। पता नहीं भाई, छोटी सी होप तो है, भगवान है ना। ये हुई ना बात, सही है। एक्चुअली पता है तुम्हें लेकर क्यों आए थे? 2 दिन में किसी का हार्ट ऑपरेशन है, लेकिन तेरी कहानी सुनने के बाद लग रहा है तुझे जीना होगा। वैसे वो भी इंसान ही है, उसके भी रिश्ते होंगे, प्यार होगा, ख्वाहिशें होंगी, कर्जा भी होगा। मतलब अभी मेरा दिल निकाल कर? टाइम ले ले, ऑपरेशन थिएटर रेडी है,
तेरे लिए 2 दिन का समय दे रहा हूँ, मेरा कर्जा चुका दे, नहीं तो अपना दिल मुझे दे दे। क्या? चल चल जाओ। चल। कमल हसन को भी पीछे छोड़ दिया। 5 लाख मतलब 10 कुत्तों को किडनैप करना होगा यार, 2 दिन में कैसे मैनेज करेंगे? 10 कुत्ते नहीं यार, 1 कुत्ता और 1 ही किडनैप, इससे अपना सारा बैड लक खत्म हो जाएगा। कुत्ते के लिए 5 लाख कौन देगा यार? परसों कोई पेटकेयर सेंटर आकर कुत्ते के नाखून और बाल कटाकर 25,000 का बिल देकर गया था। अरे यार, कुत्ते के ग्लैमर के लिए जो 25,000 खर्च कर सकता है वो 5 लाख तो आसानी से दे देगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सही सोच रहा है। सुपर, अब निवासी बाबा के दर्शन करके काम शुरू करते हैं। उसके दर्शन करना बैड लक को इनवाइट करने जैसा होगा। मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं मारना शुरू करूं, अगर मैं मारना शुरू करूं तो नदियां पानी से नहीं, नदियां पानी से खून से भर जाएंगी, खून से भर जाएंगी। कैसा रहा? अद्भुत बाबा जी। संजय को भेज दो। संजय वर्मा या संजय शर्मा बाबा जी? संजय भंसाली को। डायरेक्टर आ गया। कट के बाद कट किए हुए फ्रूट्स खिलाओ। कट के बाद हीरो के पापा हीरो के लिए, सही है ना बाबा? सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग। हीरोइन के पापा हीरोइन के लिए, ठीक है ना बाबा? सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग। दोनों के फादर्स आमने सामने आ गए बाबा, और कट के बाद दोनों में जबरदस्त फाइट होगी बाबा। एक मिनट, हीरो के पापा का हीरोइन के पापा से युद्ध हुआ? हाँ। वो भी घमासान युद्ध हुआ? हाँ। मतलब स्क्रीन ही है ना? वैरायटी बाबा, न्यू थॉट। वो तो ठीक है, सिनेमा का नाम क्या रखा है? अमंगल में दंगल। रिसेंटली दंगल सुपरहिट हुई थी ना बाबा, उसी से इंस्पायर होकर इसका नाम रखा है। इस दिवाली पे थिएटर में आ जाएगी। hey, रिश्तेदारों की तरह होली दिवाली पर आना जाना क्या? ऐसे में कैंटीन वाले, साइकिल स्टैंड वाले, ब्लैक टिकट बेचने वाले किस तरह से जिएंगे? दक्षिणा डायरेक्टर से लेते हैं, लेकिन दया ब्लैक टिकट वालों पर दिखाते हैं। ऊंच नीच का भेदभाव बहुत है बाबा आपके अंदर। वो सब छोड़ो, स्टोरी की बिगनिंग में जो विलेन आया था उसे उतारा। हाँ। मैं बताता हूँ बाबा। फोन। हेलो संताराम, कैसा है बिजनेस, कैसा चल रहा है बाबा? क्लाइमेक्स बहुत होगा स्टोरी, अब जाओ बाबा। इंटरेस्टिंग बाबा, बाबा ने कह दिया ना। अरे बस क्लाइमेक्स बचा है। अरे क्लाइमेक्स तो सुन लीजिए, सुनिए ना। हाँ भाई बोलो। ब्लेसिंग्स दोगे मुझे? आपको क्या जरूरत है भाई, मैं सबका भगवान हूँ, आप मेरे भगवान हैं। पर भगवान कॉल करते हैं तो स्विच ऑफ आता है, मतलब चार्जिंग खत्म हो गई थी, बैटरी वीक हो गई है सर, बैकग्राउंड लीक हो जाएगा। भाई धंधे की कसम खाकर कह रहा हूँ, कलेक्शन कम हो गया है, स्टेट डिवाइड होने के बाद से भक्त बहुत कम हो गए। संताराम, अमीर पेट से अमरावती तक तेरी सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट मेरे सिस्टम में है। ऑनलाइन में आशीर्वाद के लिए मंथली 6 करोड़ कलेक्ट हो रहे हैं, मैंने सिर्फ 10 करोड़ मांगा है। भाई आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गई भाई, आप कौन है बताइए? तो ठीक है संताराम, दोनों ओपन हो जाते हैं। नहीं भाई, आपको 10 नहीं 11 भिजवा दूंगा। गुड बाबा। सॉरी वन सेकंड। हेलो, जानकी बोल रही हो? जाली नोट से बैंकॉक के फ्लाइट की टिकट खरीद रहा था, पकड़ा गया तो बताया कि वो पैसे आपके हैं। Who is that idiot? वो रहा। बाप जी, तुमने मेरा नाम क्यों बताया? तो क्या करता, वो पैसे तुमने दिए थे ना, इसलिए तुम्हारा नाम बताया। कौन से पैसे? उस दिन वो पैसे जो कार में भूल कर गई थी तुम। इन दोनों का क्या लेना देना है? तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता था कि वो फेक करेंसी है, इसलिए मैं लेकर भाग गया था। देखो झूठ मत बोलो, उसने वो पैसे अगले दिन दे दिए थे। किट्टू ने पैसे दे दिए थे? तुमसे प्यार करता है ना, इसलिए पैसे खोने का तुम्हें दुख ना हो, तो उसने कर्जा लेकर लौटा दिया होगा। अरे देखने की क्या जरूरत है, ये कैश भी उसका है, बैग भी उसका है। ऐसे क्या कह रहा है, बैग भी उसका है, कैश भी उसी का है। बाप जी कहाँ है? बाप जी कहाँ है? बाप जी, ये कुत्ता किसका है? अभी पेटकेयर सेंटर शुरू किया ना, तो वही कुत्ता है। भाई है। हमारे कुत्ते को किडनैप करके हम ही से 50,000 रुपए ले रहे हैं। मुझे बस 5 मिनट दो चलो। तुम्हें तो मैं अपनी लाइफ देने वाली थी। ए, थोड़ी देर में कुत्ता आ जाएगा, स्मोक रेडी रख। अरे यार स्मोक का काम मैं देख लूंगा ना, तू उस डॉग पे कॉन्सेंट्रेट कर। अभी ये स्प्रे किस लिए? अगर स्मोक मिस हो जाएगा तो स्प्रे यूज कर लेंगे बैकअप के लिए। ले इसे पकड़। इसे फिट कर। किट्टू, जानू कहाँ हो तुम? मैं कार डिलीवरी करने आया हूँ। हमारी रोज की जगह मिल सकते हो? तुमसे बात करनी है किट्टू, बहुत कुछ बताना है, प्लीज। ठीक है 5 मिनट में वहाँ आऊंगा। थैंक यू किट्टू, बाय। चलता हूँ यार। यार सुन कुत्ता, ए समझने की कोशिश कर, ब्रेकअप हुआ था ना, फिर से पैचअप हो रहा है, प्लीज यार प्लीज। अरे 5 मिनट रुक जाना यार, उस डॉग को लेके हम चले जाएंगे, तू जानू के पास चले जाना प्लीज। हेलो सर, मैम साहब पूछ रहे हैं कि आप घर आ रहे हैं या नहीं। हाँ घर ही आ रहा हूँ।
ए, कुत्ता कुत्ता ए, तू स्मोक करने का तू कार निकल तू स्मोक देख चल 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 की जगह मिल सकते हो तुमसे बात करनी है किट्टू बहुत कुछ बताना है प्लीज ए बॉबी उस वेबसाइट वाले को फोन करना आज की नाइट फुल एंजॉय करेंगे भाई को आने में अभी दो दिन बाकी हैं सर ये एआरजी का घर है Yes, I know, Rishi. ठीक है यार बाय सर आप लोग यहाँ पर रेड करने आए हैं रेड करने के लिए लेकिन हमने क्या किया है दिस इज इनकम टैक्स रेड फोन स्विच ऑफ कर दो कम ऑन ये रूम किसका है ये रूम मेरे भैया का है सर खोलो इसे कीज तो भैया के पास ही है सर सुरेश यस सर इट्स ओपन सर वहां कुछ नहीं मिला सर एआरजी बहुत जेन्युइन है सर आई नो लेकिन करना पड़ता है ना फॉर्मेलिटीज है इस सेफ में क्या है मुझे नहीं पता सर इसमें क्या है ऋषि इस सेफ को सीज करके हेडक्वार्टर में भेज दो आज फ्राइडे है ना यस सर मंडे को उन्हें ऑफिस आने के लिए बोलो होनी के प्रेजेंस में हम इसे ओपन करके चेक करेंगे और अगर वो मंडे नहीं आते हैं तो फिर हमें इसे खोलना पड़ेगा द प्रोजेक्ट इज 500 यूरोस एंड जस्ट अ मिनट ओके हेलो भैया मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ बाद में बात करता हूँ इनकम टैक्स की रेड हुई है भैया क्या रेड आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए भैया सिर्फ सेफ ले गए हैं वो व्हाट सेफ ले गए सॉरी सर आई वॉज हेल्पलेस अगर मुझे पता होता तो इन्फॉर्म करता पर मुझे भी पता नहीं था सर जाकर सिर्फ पासवर्ड बताना है भैया उसके बाद वो हमें रिटर्न कर देंगे पासवर्ड मुझे मालूम होता तो पहले ही बता देता फिर वो नहीं ले जा पाते आदित्य नारायण बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है सर वो किसी की नहीं सुनते अब क्या होगा सर रेड में सीज की हुई सारी चीजों को आईटी हेडक्वार्टर्स के सेफ रूम में रखते हैं उस सेफ रूम को ओपन करने के लिए एक एक्सेस कार्ड होता है वो एक्सेस कार्ड भी सिर्फ उन्हीं के पास होता है सर मतलब कार्ड देने पर सेफ लेकर आओगे एग्जैक्टली सर नाउ गेट आउट सर एक्सेस कार्ड भिजवा दूंगा आई सेड गेट आउट एक्सेस कार्ड अपना नाम बाहर आए बगैर वो एक्सेस कार्ड चाहिए वो हमें क्यों देगा भैया वो तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है चाहे जितना स्ट्रिक्ट ऑफिसर हो एक वीकनेस होगी उसकी वीकनेस ही अपनी स्ट्रेंथ है क्या हुआ मिला क्या नहीं यार तुझे क्या हुआ निमासी बाबा इस वक्त समाधि ले रहे हैं यार छ
छी, चल फोन करते हैं। या हाँ हाँ, उनसे कही कि मंडे आकर मिलेंगे। या प्रिया। हाँ जी। बेबी क्या करेगी? जिमी को लेकर बाहर वॉक पे गई है, आ जाएगी। हेलो, आदित्य नारायण जी बोल रहे हैं क्या? जी हाँ बोल रहा हूँ, कहिए। वो मैंने ना आपकी बेटी को किडनैप किया है। हेलो हेलो, दत्त एंगेज आ रहा है। हेलो सर, आपने सुना ना, मैंने आपकी बेटी को किडनैप किया है। कौन हो तुम लोग, कहाँ से बात कर रहे हो? ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। कितना पैसा कहाँ पर लाना है वो मैं फोन करके आपको बताता हूँ। ओके सर, सर 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 सर, एक और बात, ये मैटर पुलिस तक नहीं पहुँचना चाहिए, नहीं तो मुझे खामखा आपकी बेटी को मारना होगा और उसकी लाश आपको मिले या ना मिले, समझ गए ना? हेलो किडनैपर्स, कितने चाहिए? इसकी बेटी ने घर जाकर बता दिया होगा, पूछ रहा है कितने चाहिए। पांच। थोड़ा बड़ा अमाउंट है लेकिन मजबूरी है, 5 लाख। 5 लाख? देखा कुत्ते को कितना ज्यादा है, 5 लाख बोलो तो 5 लाख देने के लिए तैयार हो गया। hey, तुम लोगों ने मेरी जान को किडनैप किया है। आपकी जान को हमारी जान की तरह देख रहे हैं सर, आप ही उसका ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हो। What do you mean? मतलब ये तो अब जवान हो गई है, ऊपर से लड़की है, दहलीज पार करते ही यहाँ वहाँ देख रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपकी बेबी हमारे पास बहुत खुश है सर। अब ये सुनिए, आते वक्त कीचड़ लग गया तो उसे नहलाया भी था। तुमने उसे नहलाया? मैं अकेला ही नहीं हूँ, हम सब ने मिलकर नहलाया। आपकी बेबी बहुत बदमाश है, नहलाते वक्त हम पर हाथ रखकर बदमाशी कर रही थी। अगर मेरी बेबी को हाथ भी लगाया तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर ये कुत्ते के मामले में ही इतना पजेसिव है तो बेटी के मामले में कितना पजेसिव होगा? इन सब से हमें क्या लेना देना सर, आप हमारे पैसे भेज दीजिए, आपकी बेबी को घर भेज देंगे। ठीक है, ये बताओ पैसे कहाँ लाने हैं? चार मीनार के पास, पुरानी मस्जिद। हेलो, पहचाना नहीं, थोड़ी देर पहले फोन किया था ना, वही किडनैपर बोल रहा हूँ। ये क्या है, तुम लोग एक नंबर से कॉल नहीं कर सकते क्या? अच्छा, हमारा फोन टेप करना है तुम्हें? हम कोई छोटे से बच्चे नहीं है। अब जो कहता हूँ वो सुनो, टाइम वेस्ट किए बिना 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड लेकर गोलकोंडा की पुरानी एवेन्यू पर जल्दी से पहुँच जाइए। 1 करोड़? अभी तो कॉल किया था कि इतनी जल्दी इतना सारा कैश? जो बोल रहा हूँ वो कर, 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड लेकर पहुँच। तुझे एक्सेस कार्ड से क्या मतलब है? बेबी सुना ना, अब समझा? मैं हमेशा सिगरेट पीता हूँ, जितनी बार सवाल करेगा उतनी बार तेरी बेटी जलेगी। नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, मैं 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड लेकर आता हूँ। ये 1 करोड़ क्यों? भाई ने तो सिर्फ एक्सेस कार्ड मांगा था ना। एक्सेस कार्ड भैया के लिए, करोड़ रुपए हमारे लिए। हेलो, क्या टाइम सेंस नहीं है क्या? आ रहा हूँ मैं, 5 मिनट में गोलकुंडा पहुँच जाऊंगा। गोलकुंडा क्यों, हमने 4 मीनार कहा था। ये क्या, इससे पहले तो ओके, मैं 4 मीनार आता हूँ। कुत्ते के जाने के गम में रास्ता भूल गया लगता है। अभी आप देख रहे हैं नेमासी बाबा के सजीव समाधि की तैयारियां। तैयारियां बहुत धूमधाम से हो रही है, आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया बाबा? रात में मुझे त्रिमूर्तियों ने बुलाया था बच्चा। त्रिमूर्तियां मतलब अनिल नसीर जैके ना बाबा? नहीं बच्चा, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या कहा बाबा? कहा मेरे बिना स्वर्ग, ऑडियंस के बिना थिएटर जैसा लग रहा है। अरे बाप रे, मुझे वहाँ बुलाया है बच्चा। अगर ऐसा है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा बाबा। वो समाधि है बेटा, समर कैंप नहीं, जो जब चाहे तब वहाँ चला जाए। सिनेमा थिएटर है, शो के वक्त ही सिनेमा देखना चाहिए, बुलावे के बाद समाधि लेनी चाहिए। आप भगवान है, आपकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जो सिनेमा 1 साल चलती है उसे भी 1 दिन थिएटर से उतरना होता है, वैसे ही आत्मा भी है। मैं आपके बिना नहीं रह सकता बाबा। मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्लीज बाबा। प्लीज प्लीज बाबा, सच बोलने तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। प्लीज, अगर प्लीज मैं जाऊँ तो उस ब्लैकमेलर का टॉर्चर भी नहीं सह सकता। देखो बच्चा, बाबा मुझे हमेशा एक NRI का कॉल आता है, पता है ना? वो मुझे हमेशा संताराम कहता है। संताराम? हाँ। ये कौन है? उधर देखो। ₹5, ₹20, ₹10, ₹50, ₹5, ₹20, ₹10, ₹50,
अरे है मेरे पास। लड़की के बाजू की सीट है? नहीं है। ये लो। लड़की कहाँ है? वहाँ है। मेरा हिसाब? हाँ, तुझे ही ढूंढ रहा था। ये ले 100। भाई भाई एक टिकट दीजिए। एक ही है लेकिन नहीं दूंगा। क्यों? वाटर बॉटल में क्वार्टर मिलाकर सिप करते हुए सेकंड शो देखना मेरी आदत है। सुपर। क्या कर रहा है? मैं सोचा वो कोई बात नहीं, आदत है। सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो गया। शिप डूब रही है। रोज रोज जैक डूब गया। रोज 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 मेरा नाम ले रहा है जी। शिप, बड़ी शिप डूब रही है। सर क्या हुआ? मैडम के नाम की शिप मालदीव में डूब गई है सर। डूब गई? हाँ सर। 520 2050 520 2050। ये तो अपनी शिप का नंबर है। अपनी शिप का? रोज रोज सर ये तो अपनी मैडम का नाम है। हाँ ये तो। क्या हुआ, क्या होने वाला है? इस ज्ञानी को सब कुछ पता है सर। सर मेरी शिप डूब गई है सर, अब मैं क्या करूँ बताइए। शिप डूब गई तो क्या हुआ, सिनेमा हिट है। सिनेमा? सुपर हिट, मेगा हिट। शायद आपको सिनेमा कह रहे हैं। 10 रुपीज 100 रुपीज 10 रुपीज 100 रुपीज। सर, 10 रुपीज ये कह रुपीज। रहे हैं कि 10 रुपए लगाने पर 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। अरे इन्हें उठाइए ना। सर 100 रुपीज सर। बाबा और सिनेमा निवासी बाबा हो गया। इसी फ्लैशबैक की वजह से उसने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे वसूलने शुरू कर दिए। सुबह सुबह उठकर भजन करके पैसे कमाना और शाम होते ही सारे पैसे उसके नाम कर देना। इन्हीं सबसे पीछा छुड़ाने के लिए बचे हुए पैसों से कहीं भागने की प्लानिंग की थी। मैं नहीं मानता। कौन सा सिनेमा कितने दिन तक थिएटर में चलेगी, किस स्टार का समय अच्छा चल रहा है, ये आपको कैसे पता? तो ये है प्रॉब्लम। बारिश हो, धूप हो, दिन हो, रात हो, सिनेमा पर जीने वाले साइकिल स्टैंड वाले को पता होता है सिनेमा कितने दिन चलेगी। फिल्म स्टार को नहीं पता होता। समोसा बेचने वाले को पता होता है सिनेमा कितनी हिट होगी, लेकिन डायरेक्टर को नहीं पता होता। मेरे जैसे ब्लैक टिकट बेचने वाले को पता होता है सिनेमा का कलेक्शन कितना होगा, लेकिन प्रोड्यूसर को पता नहीं होता। हमारा प्रीव्यू नहीं होता, रिव्यू नहीं होता, ओनली क्लैप्स एंड व्हिसल्स होता है। समझ गया ना? कहाँ चला गया? हाथ में लकड़ी क्यों है बच्चा? आपके ऊपर भरोसा करके शादी के मंडप से उठकर भागा है, जिंदगी बर्बाद कर दी आपने मेरी। अरे बाप रे, अरे अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो, छोड़ दो, अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो। उधर क्यों देख रहा है, इंटरवल है क्या? वो पैर, वो पैर। हाँ पानी ले ले और सर पर छिड़क ले। हाँ ऐसे मेरे हाथों से अपने ये पैर धुलवा कर। यही है वो पैर, वही पानी अमृत बोलकर मुझे पिलाया था ना। अरे मत मार बच्चा, मत मार, मत मार बच्चा, रुक जा। फिर उधर देख रहा है, नया इंटरवल है क्या? रात में नींद आई ना बाबा? हाँ। बाबा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ? रात में आप ज्ञान समाधि में श्री तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी से गुरुवर बालकृष्ण से कुछ बातें कर रहे थे। हाँ। बीच में कोई एक और नाम सुना था बाबा। हाँ। सामंता नाम की किसी देवी का। वो एक चैतन्यवान औरत है, एक पावरफुल नाग देवता है। रात में सामंता सामंता करता है नाग देवता बोलकर झूठ बोला तूने। हाँ। और पूजा हेगड़े, पूजा हेगड़े का नाम लेकर। हाँ। ये नई प्रकार की पूजा ऐसा बोला तूने। ये बस अब नहीं चल सकता, मैं छोड़ दो, बहुत जोर की लगी मार। अबे मारने पर मार नहीं तो क्या लॉटरी लगेगी? अरे तू बैठ जा, तू बैठ जा, तू बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। हाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मार मत। तुझे एक अच्छा सा आइडिया देता हूँ। क्या? रुक जाओ, परमात्मा का बुलावा आया है, अवश्य उन्हें मुझसे कुछ काम होगा, जाना ही होगा। आप दुखी मत होना, ये मेरा शिष्य आपके साथ रहेगा। सुनामी बाबा, चलता हूँ। किट्टू अपूरे, आज हमारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व हो गई, हैप्पी मोमेंट्स फिर से स्टार्ट हो गए रे। थैंक्स बेबी। इसका नाम बेबी ही है ना, नाम लेके बुला रहा हूँ तो देख क्यों नहीं रही है? शायद उसे पता ही ना हो कि उसका नाम बेबी है। ए, ओपन करने यार। अरे ये देख, इसमें कार्ड है, मतलब इस्तेमाल करने के लिए पैसों के साथ क्रेडिट कार्ड भी दे दिया है। अरे ये क्रेडिट कार्ड नहीं यार, ये एक्सेस कार्ड लग रहा है। इधर ला। अरे छोड़ना, इसे अपना क्या फायदा। लगभग इसमें 1 करोड़ होंगे यार। ओ माय गॉड, ओ माय डॉग। ये
यार अगर ये बात पहले पता होती तो शहर में कुत्तों की तरह कुत्तों के पीछे भागने से अच्छा इसे ही पकड़ लेते, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। कुत्तों के साथ रहते रहते तेरी बुद्धि भी कुत्ते वाली हो गई। 5 लाख मांगने पर 1 करोड़ रुपए दे दिए। समथिंग इज रॉन्ग यार। हे, मेरी बेबी कहाँ है? आ जाएगी सर। आप आपकी बेबी से कितना भी प्यार करते होंगे लेकिन 5 लाख मांगने पर सीधा 1 करोड़ है? हमें नहीं चाहिए सर। हम नीच काम भी नीटली करते हैं। बेबी के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपके कंपाउंड में रख देंगे। आप बिस्किट रेडी कीजिए। बिस्किट क्या है? अरे वही कुत्तों के बिस्किट। कुत्तों के बिस्किट? वो किसके लिए? अरे सर आपके कुत्ते के लिए। ए, बकवास बंद कर और सीधा सीधा बता कि मेरी बेटी कहाँ है। बेटी किसकी? ए, सुन, तूने 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड मांगा था ना, वो दे दिया। अब चुपचाप मेरी बेटी को घर भेज दे वरना शूट कर दूंगा मैं। यार ये बीच में बेटी कहाँ से आ गई? मामला तो कंफ्यूजिंग हो गया। मेरी अभी समझ में आ रहा है। क्या? उसने 1 करोड़ कुत्ते के लिए नहीं दिए थे, बेटी के लिए। उसने फोन में बेबी जो बोला वो डॉग के लिए नहीं, डॉक्टर के लिए। किसी ने उसकी बेटी को किडनैप करके 1 करोड़ गोलकोंडा लाने को कहा है, वही से ये कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ है। तो अब क्या करेंगे यार? और क्या करेंगे, उस बैग और कुत्ते को ले जाकर उसके घर पे छोड़ देंगे, जाकर उसकी बेटी को ले आएगा वो। अरे यार भाग भाग के हमारी हालत खराब हो गई। थोड़े पैसे हम लोग रख लेते हैं। लड़की के पैसे हैं यार, गलत बात है। चल। मेरी बेटी कहाँ है? कैश कहाँ है? क्या बोल रहे हो, कैश तो भिजवा दिया ना तुमने, थैंक्स तक नहीं कहा। कैश लिया था तो तुझे उसकी रसीद भी दी होगी ना। ये क्या बात कर रहे हो तुम? फिर से क्वेश्चन कर रहे हो? सिगरेट मेरे हाथ में है और तेरी बेटी मेरे बाजू में। ओह माय गॉड। 2 घंटे का टाइम और ले ले, 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड गोलकोंडा में लेकर आ। दोबारा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ तेरी बेटी की लाश कुरियर में भेजूंगा। बाय। ए, सुन सुन। अरे क्या करूं मैं? मैडम क्या हुआ? जिमी कहीं मिल नहीं रही। जिमी कहाँ जाएगी, जानकी के साथ वॉक पर गई है। जिमी मतलब उन लोगों ने कुत्ते के लिए 5 लाख मांगे थे, 5 लाख, और दूसरों ने बेबी के लिए 1 करोड़ मांगे, 1 करोड़ और एक्सेस कार्ड। एक ने चार मीरा नाने के लिए कहा और दूसरे ने गोलकुंडा। मतलब ये पैसा असली किडनैपर्स के पास नहीं गया, दूसरे के पास चला गया। शिट। सुनिए क्या हुआ, क्या हुआ जी? बेबी क्या हुआ? राजू एम्बुलेंस को कॉल करो। अरे यार यहाँ इतनी सारी पुलिस क्यों आई है? कहीं इसका मालिक ऊपर तो नहीं निकल लिया? नहीं यार, ये केस बहुत आगे बढ़ गया है। अगर हम दिखेंगे तो पकड़े जाएंगे और हमारी जो वाट लगाएंगे। अब क्या करें यार? निकल चलते हैं। चल चल निकाल निकाल। सर, क्या हुआ सर? सर, किडनैपर्स के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस केस के लिए स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया है। द ग्रेट अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया डॉन अफजल खान, भाग जा। अगर तू नहीं भागा तो मैं तुझे शूट कर दूंगा, जीने का कोई चांस ही नहीं। और अगर तू भागा तो तेरे उस टर्न तक पहुंचने तक वेट करूंगा, सिर्फ 1 बुलेट खर्च करूंगा तेरे लिए। अगर तेरी किस्मत अच्छी होगी तो तेरी जिंदगी बच जाएगी। चॉइस इज योर्स, तुझे मौका चाहिए या मौत चाहिए? सर तो शूट कीजिए ना। ये कॉफी इतनी ठंडी क्यों है? सर वो भाग जाएगा सर। बोलिए सर। आंटी पुलिस। ये इंसिडेंट कब और कैसे हुआ? जानू ने किसी पर फोन पर बात की और हमारे कुत्ते को बाहर लेकर चली गई। उसके बाद कुछ लोगों का कॉल आया और फिर उन्हें टेंशन हो गई। मुझे इतना ही पता है। किडनैप किसने किया है ये तो शायद उन्हें भी नहीं पता। फोन पर उन्होंने किससे बात की ये भी नहीं पता? पता नहीं। जानकी की कॉल लिस्ट देखी क्या? यस सर, लास्ट कॉल कृष्णा मूर्ति की थी सर। कृष्णा मूर्ति? सर वो एक डॉग किडनैपर है। डॉग किडनैपर?
हाँ सर, जब जानकी को उसके बारे में पता चला तो उसने उसे ब्रेकअप कर लिया। तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? कार केयर माधापुर में सर। रामानुज सर, 10 मिनट के अंदर वो मेरे सामने होना चाहिए। इनकम टैक्स कमिश्नर आदित्य नारायण की बेटी जानकी नारायण का आज दोपहर में अपहरण हुआ है। ये बात जैसे ही पुलिस को पता चली, उन्होंने किडनैपर्स को पकड़कर आदित्य नारायण जी का दिया हुआ 1 करोड़ कैश भी बरामद कर लिया। इन तीनों किडनैपर्स से अभी बंजारा हिल्स के पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही है। इनका नाम है किट्टू, अप्पू और बालू। ये लोग एक तरफ कार मैकेनिक का काम करते हैं और एक तरफ किडनैपिंग करते हैं। पुलिस इनसे अब और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। मारना चाहता था मुझे। You wanted to kill me? आप मेरे भगवान हो भैया, मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? क्या है ये सब? 1 करोड़ कैश क्या है? ये लड़के कौन है? ये मैटर पुलिस तक कैसे पहुँच गया? आपने एक्सेस कार्ड के लिए बोला था और मैंने अपने खर्चों के लिए उससे 1 करोड़ कैश मांग लिया था। मार दूंगा तुझे। खर्च के लिए मैं दे देता ना। सॉरी भैया। सॉरी मत बोल। सब खेल बिगाड़ कर रख दिया। उस सेफ के अंदर क्या है पता भी है तुझे? अगर पता चल गया तो पकड़े जाएंगे, बीच सड़क पर खड़ा करवा कर शूट कर देंगे। भैया अब आप ही बताइए कि आखिर उसमें ऐसा क्या है? ये मैटर पुलिस तक पहुंच चुका है, कल या परसों हम तक भी आ जाएगा। मैं आदित्य नारायण को फोन करके ये पूछूं कि ये मैटर पुलिस तक आखिर कैसे पहुंचा। ये सब पता करने के लिए हमें आदित्य नारायण नहीं चाहिए, वो तीनों चाहिए। उन्हें पकड़ लो, सब कुछ बाहर आ जाएगा। मैं उन्हें खुद पकड़ूंगा। अगर इस बार गड़बड़ हुई तो सोचूंगा नहीं तू मेरा भाई है। जाओ। जय निमासा। अरे यार, फिल्मों में दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन में चड्डी में बैठा के मारते, वैसा करेंगे क्या? अरे ये सारी बातें अभी क्यों कर रहा है? चड्डी पहनना भूल गया हूँ यार। लड़की कहाँ है? हमें पता नहीं है सर। लड़की कहाँ है? सर सच में बिल्कुल नहीं पता। बार बार एक ही बात क्यों बोल रहा है तू? सर आप ही तो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं सर। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। सर ऐसे चोट लग जाएगी सर आपको। अगर ज्यादा किया तो कपड़े उतार कर मारूंगा तुम लोगों को। सर ऐसा मत कीजिएगा सर, प्लीज। ऐसे नहीं बताओगे तुम लोग? जब 3rd degree लगेगी तब जवाब निकलेगा तुम लोगों के मुंह से। सर हमने कोई डिग्री कोई MBA नहीं किया है सर। MBA की नहीं, यहाँ पर पिटाई की कोचिंग होती है। 1 करोड़ कैश मिलने पर भी तुम लोग जुर्म कबूल नहीं कर रहे हो, बहुत शातिर लगते हो तुम लोग। सर हमारा यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं सर। हमने कुत्ते को किडनैप किया था, बेटी को नहीं किया था सर। कुत्ते को किडनैप करने का कोई 1 करोड़ देता है क्या? वो एक छोटा कंफ्यूजन था, हमारा भरोसा कीजिए सर, हमने उस लड़की का चेहरा भी नहीं देखा। तुम लोगों का कैश के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने पर उन कुत्तों को किडनैप करने वालों ने इनकम टैक्स ऑफिसर की बेटी को किडनैप किया होगा, ऐसा सिर्फ मेरे मन में डाउट था। लेकिन अब जैसा तुम लोग कह रहे हो, 100% तुम लोगों ने ही किडनैप किया होगा। हम लोगों ने सच में उस लड़की को नहीं देखा सर। सच में? इसे देखकर बोल। ये लड़की तो किट्टू की गर्लफ्रेंड है सर। यही लड़की आदित्य नारायण की बेटी है बेटा। जानू आदित्य नारायण की बेटी है? मतलब किडनैप जानू का हुआ है सर? सर वो किडनैप पर पैसे नहीं देने पर जानू को कुछ कर देगा सर। प्लीज सर कुछ कीजिए सर, प्लीज सर। वाह 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 वाह, क्या एक्ट कर रहा है तू? ऐसी और कितनी लड़कियों को किडनैप किया है तूने? सर आपको समझ में नहीं आ रहा है सर, जानू की जिंदगी खतरे में है सर। प्लीज सर कुछ कीजिए सर, नहीं तो हमें छोड़ दीजिए सर, हम जाकर बचा लेंगे। प्लीज सर। ए, कॉमेडी अच्छी करता है तू, किसी कॉमेडी शो में ट्राई कर। इन्हें गाड़ी में बैठाओ रामानुज जी। बोल भद्रा। भैया पुलिस उन्हें जीप में बैठा कर ले जा रही है। तू उन्हें फॉलो कर। यही आदित्य नारायण की बेटी है बेटा। तुमसे बात करनी है किट्टू, बहुत बातें करनी है। तुम किसी से प्यार करती हो? डैड। बेझिझक मुझे बताओ। किट्टू बहुत अच्छा लड़का है,
आई लव हिम। अच्छा लड़का इसलिए प्यार किया या प्यार करने के बाद वो अच्छा लड़का बन गया? नहीं पापा, मेरा दिल गलत नहीं हो सकता। फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसका? उसकी फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स के सिवाय। सॉरी। और एजुकेशन? मैकेनिकल इंजीनियर। गुड गुड। लेकिन वो गराज चलाता है दोस्तों के साथ। तो जॉब क्यों नहीं कर रहा है वो? बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू करना उसका एम्बिशन है। सो ही इज एम्बिशियस। उसको महीने में सिर्फ 50,000 ही नहीं चाहिए, करोड़ों चाहिए होंगे। कम ऑन डैड। ओके ओके, तो पहले किसने प्रपोज किया? मैंने ही। मतलब वो तुमसे प्यार नहीं करता है? तुम्हारे प्रपोजल में उसने प्रॉफिट देखा होगा इसलिए हाँ कर दिया होगा। पापा उसे आपके स्टेटस के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस जानने के लिए तुम्हारी लाइफस्टाइल काफी है। वो तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे प्यार का नाटक कर रहा है। That's it. आप जो भी कहें, किट्टू ने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे प्यार किया है, मैं नहीं मानती। जितना आसान दिल देना होता है बेटी को देना उतना आसान नहीं होता है। मैं बाप हूँ, मेरे अपने कुछ डाउट्स हैं। मैं जो बोलूंगा तुम करोगी क्या? जैसे ही तुम हैदराबाद लैंड हो जाओगी मेरा दोस्त तुम्हें 25 लाख देगा। मुझे पता है तुम एयरपोर्ट पर उतरते सीधे गराज जाओगी, कार रिपेयर का बहाना बनाकर वो 25 लाख तुम वहीं छोड़ देना। जानकी के कार में ये बैग मिला है। तुम अपने पास ही रखो, कल सुबह ले लूंगी। ये लो बैग, ये लो कीज। ओके थैंक यू, आई हैव टू लीव। हाँ बेबी बोलो क्या हुआ? सॉरी डैड, आप हार गए। आपके टेस्ट में किट्टू जीत गया। मैंने जैसे पैसे छोड़े थे वैसे मुझे वापस मिल गए हैं। आई एम सॉरी। मतलब मैं हारा नहीं बेटा, मैं जीत गया। तुम्हारे सिलेक्शन जीतने का मतलब है मेरी परवरिश जीत गई है। डैड लेकिन वो कैश? बेबी वो फेक मनी है। फेक मनी करना पड़ता है बेटा, पैसों का ही नहीं जरूरत पड़ने पर झूठ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। वो फेक मनी अपने पास ही रखना, मैं वहां कर उसे लीगल प्रोसीजर से जलवा दूंगा। हैदराबाद आते ही किट्टू से बात करके तुम्हारी शादी के लिए मुहूर्त फिक्स करवाता हूँ। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी किट्टू, आई मिस यू। कहाँ हो किट्टू? जंगल मुझे बचपन से पसंद है, इंसानों को मारना उससे भी ज्यादा पसंद है। हथकड़ी खोलो इनकी। जी सर। चलो भागो। सर इफ यू डोंट माइंड, आप हमारा एनकाउंटर नहीं कर सकते सर। हाँ क्या बोला? आपको लगता है कि जानकी कहाँ है हमें पता है? वही अगर हमें मार दोगे तो आपको लगेगा कि आपको नहीं पता कि वो कहाँ है। क्या बात की भाई, सही लॉजिक है। अबे पागल इधर आ। सर यहाँ खड़ा हो जा। चलो आप भागो, अगर खड़े रहे तो कुत्ते की मौत मरोगे, और अगर भागे तो उस टर्निंग तक मैं वेट करूंगा। दोनों के लिए एक एक बुलेट यूज करूंगा, किस्मत अच्छी रही तो बच भी सकते हो। हाँ बोल। भैया पुलिस उन लोगों को शूट करने वाली है। मुझे वो कार्ड चाहिए। भले इस पुलिस वाले को मार दे, लड़के नहीं मरने चाहिए। चॉइस इज योर्स, तुम्हें मौका चाहिए या मौत। सर 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 प्लीज सर, प्लीज सर सर उन्हें मत शूट कीजिए सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर, वो कुछ नहीं जानते सर। सर सर ये कैसे हुआ? इसकी गन अटक गई है, तुम लोग भाग जाओ। सर वो लोग भाग गए सर। याई बच गए, लग अच्छा था इसलिए वो गन नहीं चली। बाबा का आशीर्वाद है। जय निवासी बाबा। गन जो नहीं चली ना वो बाबा की वजह से नहीं, गन में बुलेट नहीं थी इसलिए। कार रुकते ही पैरों में टकरा गए, मैंने छुपकर बुलेट्स निकाल दी। वक्त नहीं है यार, जानू वहाँ खतरे में है, उसे बचाना ही होगा। किडनैप किसने किया ये नहीं पता, क्यों किडनैप किया ये भी नहीं पता, कहाँ छुपाया ये भी नहीं पता, तो कैसे बचाएगा? आदित्य नारायण ने फोन पर क्या कहा था पता है तुझे? पैसों के साथ एक्सेस कार्ड भी दिया था। मतलब सिर्फ पैसों के लिए ये किडनैप नहीं हुआ है, इसके पीछे कुछ तो कहानी है। हाँ यार, बैग ओपन करते वो कार्ड ऊपर ही रखा हुआ था, अपने कोई काम का नहीं ये सोच के मैंने कार्ड वहीं फेंक दिया था। अभी अगर वो एक्सेस कार्ड हमें मिल जाए
तो किडनैपिंग के बारे में हमें कोई क्लू मिलेगा। यार गैराज जाने के लिए हमें कोई ना कोई गाड़ी तो चाहिए होगी। ए, वहां कुछ लाइट दिखाई दे रही है, चल चल। धीरे धीरे जगी जी, वाह जगी। ए, दिखता नहीं है क्या तुझे? ये क्या, ये तो चेहरा देख के ही बीमारी बता रहा है। क्या हुआ भाई, आप उसके ऊपर गिर गए? जानबूझ के नहीं गिरा था बेवकूफ, मुझे जान पहचान का लगा इसलिए टकराया। इसने ऐसा क्यों कह दिया? ट्रेलर देखकर सिनेमा बता रहा है, इससे चौकन्ना रहना पड़ेगा मुझे। ए, दो पराठे लाओ। अभी लाता हूं भाई। ये सामने आकर क्यों बैठ गया? टिश्यू पेपर क्यों खा रहे हैं भाई? टिश्यू पेपर क्यों खा रहे हैं आप? ए, टिश्यू पेपर खाने से बॉडी के टिश्यू स्ट्रांग होते हैं, ऐसा टीवी पे बताया था। किसी बाबा ने बताया क्या बात? निमासी बाबा। निमासी बाबा, तो इसने मुझे पहचान लिया। ठीक है भाई, निकल रहे हैं। कौन है भाई? किट्टू और उसके दोस्त गैरेज में नहीं है। वो जहाँ कहीं भी हो उन्हें पकड़ कर लाने के लिए भाई ने फोन किया था। मैं हाथ धोकर आता हूँ भाई। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। किसी भी तरह से इसे मैनेज करना होगा। तुम्हें सब कुछ पता है? ये बात मुझे पता है। क्या तुम्हें पता है? ये फिर आ गया, क्या पता है तुम्हें? तुमने कुछ नहीं देखा, ठीक है ना? मैंने सब कुछ देख लिया। आधा आधा, ठीक है ना? आधा आधा दिख रहा है ना? अब लगता है इसे पता चल गया कि मुझे आधा ही दिखता है। देखो, तुम चाहते हो कि ये बात किसी को पता ना चले, तो मेरा 10। मैं बेवजह 50 सोच रहा था, ये तो 10 में ही मान गया। बड़ी अच्छी बात है। ये क्या है भाई? 10,000। ये तो मुझे पैसे दे रहा है। सुनो, ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वो एक बात तुम्हें बतानी है। बात ये है कि वो देख भाई, किससे बात कर रहे हैं? देख, उस काले कौवे को और उस मोटे को ये बहुत पता नहीं चलनी यार, चाहिए। यार ये कौवा मोटा कह रहा है, अपने बारे में बात कर रहा है क्या? तू ही ना, तू कौवा है क्या? मैं मोटा हूँ क्या? नहीं। फिर कुछ भी बोलता है। चल चल। हल्का होकर आता हूँ। जिन बाबा का अभिषेक करना चाहिए उनके आगे तो सूसु कर रहा है। तेरी अरे अभिषेक क्या करूं? अरे भाई मैं तो बस यहाँ पर हल्का हो रहा था। अरे भाई मुझे ऐसे मत मारो, तुम तो मुझे मार डालोगे। मैं इसे फिनाइल से साफ कर दूंगा। जो सूसु तेरे किया उसे तो तू फिनाइल से साफ कर देगा। हाँ, कर लेकिन जो तूने पाप किया उसे कैसे साफ करेगा? अरे बाप रे, अरे मुझे मार क्यों रहे हो भाई? जाओ, अरे मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। अरे बचाओ, वहां जानू की जान खतरे में है। कार मिल गई है, चलना अभी। कौन सी कार? ए, चुप कर, मुंह बंद रख। ए, गाड़ी पीछे घुमा। हाँ ठीक है। अबे याद कर उसे कहाँ फेंका था। अरे यार मैंने तो इधर ही कहीं फेंका था। अरे कोई आया है? बोलो बद्रा। हाँ भैया, मुझे यहाँ पर एक कार्ड मिला है। कार्ड मिला है? आईटी डिपार्टमेंट का लोगो है उस पर। यही है,
यही है वो एक्सेस कार्ड जो हमें चाहिए। उसे लेकर अभी के अभी आईटी हेडक्वार्टर चले जाओ। ओके। मैं ऋषि को कॉल करके वहाँ आने के लिए कह दूंगा। ओके भैया। कार्ड ऋषि को दे देना, वो सेफ के आइटम्स तुम्हें दे देगा। ठीक है भैया, मैं अभी ही आईटी हेडक्वार्टर जाता हूँ। सेफ्टी के लिए फोन रख लेता हूँ इसका। यही है वो एक्सेस कार्ड। अरे पुलिस आ गई। नीचे बैठ। शटर तो खुला है लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा है। ए, बाहर निकाल, बाहर निकाल। चल 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 चल। शेशु, जल्दी कर, पुलिस आ रही है। बाप रे, पुलिस! अबे मैं रुक, कहाँ जा रहा है? जल्दी करो, जल्दी करो, वो बचकर जाना नहीं चाहिए। अरे यार, इस फोन पे भी कौन आ रहा है? स्पीकर ऑन कर। क्या हुआ? वहाँ ऋषि तेरा इंतजार कर रहा है। जल्दी कार्ड देकर सेफ के आइटम्स लेकर आजा, वक्त नहीं है। हेलो, हेलो बद्रा, हेलो काट दे। हेलो, कार्ड बोल रहा है, सेफ बोल रहा है, ऋषि बोल रहा है, असल में ये है कौन यार? अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अभी जिसने कॉल किया था उसे सेफ चाहिए, वो आईटी हेडक्वार्टर्स में है। आदित्य नारायण आईटी कमिश्नर है। अभी अगर वो सेफ चाहिए तो कार्ड जरूरी है। उस एक्सेस कार्ड के लिए जानू को किडनैप किया है। एक सेफ के लिए अगर कोई इतना कर रहा है, इसका मतलब वो कंटेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेफ हमारे हाथ लग गया तो जानू सेफ रहेगी। ए, उसने फोन पर जो आईटी ऑफिस बताया था वो यही है। तुम लोग हम ही हैं। भद्रा कहाँ है? भद्रा, तुम्हें भद्रा चाहिए या कार्ड? कार्ड चाहिए, लेकिन तुम लोगों को कभी देखा नहीं। हमने भी तुम्हें पहले नहीं देखा। ओ, तो तुम लोग नए हो। अगर क्वेश्चन में ही आंसर है तो मजा आता है ना। तुम लोग बार बार एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? क्योंकि हमें एक दूसरे का चेहरा अच्छा लगता है। ठीक है चलो। हेलो, वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, मेरे पीछे आओ। मतलब दूसरे रास्ते से चलना है। Hey! Hey Ramanuj, इस गाड़ी को रोक, जल्दी कर। Yes sir, रुको, 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 रुको। अरे सर, इतनी रात को क्या प्रॉब्लम हो गई? चलो जल्दी। हाँ, कहाँ? जल्दी। खराब गन, खराब गाड़ी, और अब ये कुत्तों की गाड़ी, क्या है ये? चल। ओपन करो। क्या है ये? यही वो सेफ है जो आपको चाहिए। सेफ? ए, टाइम पास क्यों कर रहे हो? ओपन करो ना। अगर हमें ओपन करना होता तो तुम्हें क्यों बुलाते? ठीक है, पासवर्ड बताओ। पासवर्ड? पासवर्ड कभी कोई किसी को बताता है क्या? ठीक है, बॉस को कॉल करो। बॉस? ए, टाइम नहीं है, अगर कोई आया तो पकड़े जाएंगे। मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, अपने फोन से करो ना। पासवर्ड पता होगा, पूछ लेते हैं।
वही फोन कर रहे हैं, बात करो ना। हेलो। हेलो सर, कार्ड लेकर आए हैं, पासवर्ड बताइए, ओपन कर दो। ओह गुड गुड गुड, पासवर्ड नोट कर लो। सर बताइए सर। 6 7 8 6 7 8 सर 1 2 1 2 सर। भैया अब तू यहाँ क्या कर रहा है? हेलो सर, हेलो सर बताइए सर। हेलो 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 यार सेफ ले ले, चल चल चल। अब क्या करें यार? अगर मैं सही सोच रहा हूं तो वही हमें कांटेक्ट करेगा। नहीं, प्राइवेट नंबर है। हेलो किट्टू, मैं एयर हूं। AIR एयर, हवा हूं। मुझे सब कुछ पता होता है। अगर मेरा गेस सही है तो तुझे अब तक सब कुछ पता चल गया होगा। जानकी कहाँ है? ओह तो ये बात है, तुझे जानकी चाहिए, मुझे सेफ चाहिए। तू सेफ ला कर दे दे। मैं जानकी को सेफली तुझे दे दूंगा। कहाँ पर आना है? रोड नंबर 5 ऑल्को फैक्ट्री कॉर्नर बिल्डिंग। ओके। क्या हुआ? क्या है वो आवाज? किसकी थी? एयर। हे भगवान, क्यों? वो बहुत बड़ा सांप है, बहुत डेंजरस है वो, उससे बच के रहना। तुम उसे कैसे जानते हो? वो जो है ना ब्लैकमेल करके जीता है, मैं बहुत खुशी से जी रहा था, उसी के कारण मैं ऐसा हो गया। अरे कौन सा बड़ा काम किया उसने? अगर बताता होता तो ब्लैकमेल क्यों करता बेवकूफ। अच्छा हाँ। कपड़ा ठूस दे इसके। अरे बच्चों ऐसा मत कर। यार अगर 2 लाख हमें चवन नहीं मिलती तो सामने 1 रुपए का खर्चा क्यों खड़ा हो जाता है? इस बार ये मिल गए भाई, अभी नहीं छोड़ेंगे नहीं। मिलना क्या है भाई, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। हमारे पास? हाँ भाई। तो लाओ कैश दो। वो अपने मोदी जी ने कहा था ना कि कैशलेस, इसलिए हम हाथ में नहीं रख रहे हैं भाई। भाई अपना एरिया तो अमीर पेट है, इन लोगों को उधर आना चाहिए, यहाँ क्यों आए? मतलब अभी वैजाग जाने के लिए डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है, बीच में विजयवाड़ा में रुक कर काम करके जा सकते हैं। भाई हम लोगों को गोल गोल घुमा रहा है। मतलब भाई आपको तो मेरी मुश्किलें, मेरी प्रेम कहानी पता है ना, आप भी तो एक लवर ही हो ना, तो सिर्फ आप ही समझ सकते हो भाई। ये फिर से पागल बना रहा है। हाँ, जानू के लिए ही ना। हाँ ठीक हाँ। है पहले वो काम कर ले जा। थैंक्स भाई। चल 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 जा। आजा भाई, उसने कैशलेस कहा था तो बिना कैश के वो पैसे कहाँ से देगा भाई? पेटीएम कर देगा वो। भाई वो हम सबको फिर से पागल बना गया। हाँ? जल्दी भाग रहे यार। ए, सेफ का ध्यान रखना, मैं अंदर जाके आता हूँ। यार तू भी अपना ध्यान रखना। हाँ सोचा था कि सेफ लाने वाला धर्मेंद्र पाजी की तरह सिक्स पैक वाला होगा, सिम कार्ड जितना दिखता है ये तो। सेफ कहाँ है? जानू कहाँ है? समझ गई। समझ में आया ना? समझ में आ गया। समझ में आ गया? तुम्हारी समझ में कुछ आया? क्या लग रही है? तुमसे मिलने आ रही थी तो उठा लिया किट्टू। मुझे नहीं पता था कि वो कुत्ता तुम्हारा है जानू। ओ, तो वो तुम थे? बेबी मैंने सोचा वो आखिरी कुत्ता है, लेकिन लवर का कुत्ता है पता नहीं था। वो जिमी है, बेबी मैं हूँ। ये कुत्ते को उठाने वाली बात क्या है? लड़की पटाने का कोई नया आइडिया निकाला होगा। मुझे क्यों नहीं पता कि तुम्हें प्यार से बेबी बुलाते हैं। हेलो वो मैं 2 मिनट आ ब्रदर, इम्पोर्टेंट मैटर पर बात कर रहे हैं ना। पर्सनल बातें अगर प्राइवेट में की जाए तो अच्छी लगती हैं। मेरा सेफ कहाँ है पहले ये बता मुझे। बाहर कार में है। ए भद्रा भैया जा लेकर आ। जी भैया। ठीक है ब्रदर हम भी चलते हैं। हे तू लिमिट पार करेगा, मेरी बुलेट गन पार करेगी, सेफ आने के बाद ही हम तुझे छोड़ेंगे। सेफ आने के बाद हमें छोड़ दोगे, इसकी क्या गारंटी है? तुम तो बहुत बड़े ब्लैकमेलर हो।
तुझे कैसे पता चला? तूने सेफ ओपन किया था क्या? बता। इसका मतलब सेफ ओपन करने पर समझ में आएगा, इसलिए उस सेफ के लिए इतना टेंशन हो रहा है। अब तक सोचा था सेफ आने के बाद तू बच जाएगा, लेकिन अब सेफ आने तक ही तू जिंदा रहेगा। जा बद्रा। रुक 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 रुक, पीछे पीछे पीछे। मिल गए वो लोग। गाड़ी घुमा गाड़ी घुमा गाड़ी घुमा। यार ये लोग कहां से आ गए अब? भाई आप यहाँ? तो किट्टू कहाँ है? वो तो मुझे नहीं, कहाँ है नहीं पता भाई। बोलेगा या नहीं? बोलेगा भाई। Hey, चल चल बे। हम अभी तक अंदर नहीं हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे हजार बार कह चुका हूँ कि रात में पंचायती मत कर, सुनता ही नहीं है। भैया भैया हमारे साथ चीटिंग हुई है भैया। क्या हुआ? वो अकेले नहीं आया है, बहुत बड़ी गैंग लेकर आया है। गैंग? हाँ मैंने उन्हें बाहर देखा, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। हेलो सुनिए ना, लगता है वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, आ जाओ ना। तुम्हें कितनी बार समझाया है सनसेट के बाद फोन मत करना? अभी सनसेट नहीं है, मिडनाइट है। अंधेरे में गलती हो जाएगी। गलती तो अंधेरे में ही करते हैं, इसमें नया क्या? अच्छी चल फोन रख। अब तुम फोन करोगे तो मैं नहीं उठाऊंगी। पारू समझा करो, काम पे हूँ ना। ठीक है। वाह बढ़िया प्लान किया है। शायद इस किट्टू का माफिया बैकग्राउंड है भाई। भैया इसका बैकग्राउंड बहुत खतरनाक लग रहा है। भाई ये सारे के सारे मुझे पक्का माफिया नजर आ रहे हैं। सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों? ये कौन है? रात में सनग्लासेस पहन कर क्यों घूम रहा है? पता नहीं भैया। भाई ने टाइम दिया था ना, किडनी देने को कहा था ना, देना पड़ेगा। किडनी? बात क्यों नहीं कर रहा है? बहरा हो गया है क्या? hey. भाई आप देख रहे हैं उस भाई को? वो माफिया से नहीं, डायरेक्ट उनके आदमियों से बात कर रहे हैं। ये वो नहीं है, कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा। चुप क्यों हो गए? तुम लोग आपस में ही बात कर लो। शाबाश भाई आप तो शेर हैं। भैया ये ग्रुप तो बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, ऊपर से वो येलो शर्ट वाला तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ओके ओके कॉम्प्रोमाइज करते हैं। गिव मी द सेफ देन यू कैन गो। सेफ क्यों बोल रहा है ये? कॉम्प्रोमाइज करोगे तो सेफ रहोगे, वरना लाश बन जाओगे, ऐसा बोल रहा है भाई। hey, मेरे 5 लाख लो। 5 लाख क्यों बोल रहा है ये? हमें मारने के लिए शायद 5 लाख की बात हुई होगी इन लोगों में भैया। पेमेंट के बारे में बात करने के लिए पहले बाहर जाना पड़ेगा ना। देखा ना भाई, कह रहा है हम बाहर नहीं जा सकते। लगता है भैया हमें मार के ही वो लोग बाहर जाएंगे। सेफ बाहर कार में है। भद्रा भैया तेरी तो, तुझे कार लाने को बोला तो तू सीधा भाग गया, मुझे बिठाया भी नहीं। सॉरी भाई जल्दी में था। ठीक है सेफ लाने के लिए तू टाइम पर आया, अब जल्दी हेल्प कर। पुलिस उतार। चल यहाँ से निकल। यही है तेरा अड्डा, लड़की को यही छुपाया था क्या? क्या कह रहे हैं सर, ये वो जगह नहीं है सर जहाँ हमें आना था। आप चाहें तो मुझे अपनी खराब गन से उड़ा दीजिए, पर ऐसे इंसल्ट तो मत कीजिए सर। बहुत बोल रहा है तू। भैया भैया अब क्या हुआ? ये लोग तो सेफ्टी के लिए पुलिस भी लेकर आए हैं। मार दो। अंदर फायरिंग हो रही है सर, हम रिस्क क्यों ले? कंट्रोल रूम में फोन करके एक बटालियन भेजने के लिए बोलो। यस सर। भाई हट जाओ वरना गोली लग जाएगी। देखा तूने, बुलेट से भी नहीं डरते, बुलडोजर की तरह सामने खड़े हुए हैं अभी तक। क्या हिम्मत दिखाई है भाई? चला गोली चला भाई, गोली चलाओ। चलाओ भाई चलाओ। मुझसे पंगा मत लेना, अगर सटक गई तो एक एक को मार डालूंगा। ओ तेरी तो। अरे देख के चला भाई। बिजी है किस गैंग का? पता नहीं भैया, बहुत ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर लग रहा है मुझे तो ये।
अरे यार बुलेट खत्म हो गई, दो बुलेट देना। रख ले, ये कोई बैंक है जो तुझे कर्ज दूंगा। इस गन की बुलेट के तेरे गन में चलेगी। अरे मार देना। बीच में कौन याद कर रहा है? हेलो, कहाँ पर हो बताओ, मैं खुद ही आ जाती हूँ। आकर क्या करेगी? आजा आजा आजा, सुनो आजा यहाँ पे। वो कौन है? घड़ी के कांटे की तरह गोल गोल घूमकर गोलियां चला रहा है। टाइप का इंसान है, किडनैप भी वही करता है, रस्सी भी वही जला देता है। भाई सुनो ना, दो बुलेट दो ना यार। ए, चल जा। ए, इतना बड़ा सूट पहन रखा है, बिल्कुल भी हेल्पिंग नेचर नहीं है क्या? चाहिए तो कल लौटा दूंगा ना। सिर्फ दो ही बुलेट तो मांग रहा हूँ, थू है तुम पे। वो किडनी मांग रहा है, ये बुलेट मांग रहा है, कौन है ये लोग? पता नहीं भैया, अब तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मेरे पास काम करता है और मुझे शूट कर रहा है तू? हाँ भाई, एक बार जो मैंने गन चलानी शुरू कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनता। दिशु कर क्या रहा है भाई? बुलेट खत्म हो गई है, सिर्फ एक ही बुलेट दे दो ना। ये किसे मारना चाह रहा है? क्या हुआ, सब लोग साइलेंट क्यों हो गए? मर गए या डर के भाग गए? भाई दीवार पर गोली क्यों चला रहे हैं? पता नहीं। अरे बाप रे, इतनी देर से मैं दीवार पे गोली चला रहा था? तुम लोगों को वार्न करने के लिए दीवार पे गोली चलाई है। अगर उस छेद भरी दीवार को देखकर कोई मेरे सामने आया तो वो छेद उसकी बॉडी पर होंगे और उसकी बॉडी शमशान में चीर दूंगा। सब उस बैग की वजह से, वो पैसे फेक थे। क्या तुम जानती थी कि वो फेक मनी है? हाँ किट्टू, धोखा, दगा, बदला, तुमने चीट किया मुझे। कम ऑन, लेट्स गो, सब कुछ बता। मैं नहीं आऊंगा, यहीं रहूंगा, मुझे अभी जानना है। तुम्हारी वजह से कुत्तों को किडनैप किया, अप्पू की किडनी जाते जाते बची। क्या है? दो बुलेट कर्जे में दे देने भाई, कल लौटा। अबे हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं और तू क्या पूछ रहा है? चल अंदर, तेरी तो। ऐसा नहीं है किट्टू, मुझे पापा को तुम्हारा प्यार प्रूव करना है। नहीं जानकी, प्यार नाम का शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। क्या गारंटी है कि जैसे तुमने फेक मनी दिया वैसे तुम्हारा प्यार फेक नहीं है? जानू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? सॉरी किट्टू, गलती मेरी है, मुझसे गलती हुई थी, यही बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी। ठीक है, लेकिन ये जगह सही नहीं है, बाहर चलकर बात करते हैं। ओके। हे भगवान, पुलिस। ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे बाप रे, पकड़ा गया। ये गन दिखाकर वो गन क्यों निकल रहा है? अरे यहाँ भी आ गया तू। वो क्या है? कहा था ना 10,000 दूंगा, बस मुझे शांति से करने दे। शांति से क्या करने दूँ तुझे? कहाँ है? ए, तू है क्या? लगता है चला गया। तो इस भाई साहब को रात में दिखता नहीं है। हेलो, हेलो डीसीपी। बोलो। सिटी के बाहर एल्को फैक्ट्री को पुलिस ने सराउंड कर लिया है, तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। आसपास एक भी पुलिस नहीं दिखनी चाहिए, समझ गया? हेलो हेलो, अरे तू तो बोल रहा था तूने किडनैप नहीं किया। अगर मैंने इसका किडनैप किया होता तो ये मेरा हाथ क्यों पकड़ती सर? क्यों बेटी, इसने तुझे किडनैप नहीं किया? नहीं सर, एआर ने। एआर ने? जी हाँ, एआर ने किया था। Hey! Hey! इतने सारे लोग कहां से आ गए? सराउंड। hey! तुम लोग बाजू हटो, साइड साइड साइड। सर सूर्या, वहां किसी को अरेस्ट मत करना। सर लेकिन क्यों सर? जस्ट फॉलो माय ऑर्डर्स अबाउट द मिशन। ओके सर, यू कैन गो। ये क्या सर? जाओ सर, इसने जानू का किडनैप किया है सर, वो बड़ा ब्लैकमेलर है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं? ऊपर से ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लड़की मिल गई ना, जाओ। चल 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 चल। थैंक यू।
वो सेफ के लिए अपने पास जरूर आएगा। सब तैयार रहना। आ गया। सेफ कहाँ है? सेफ कहाँ है? स्प्रे कहाँ है? नहीं। आदित्य नारायण की बेटी जानकी नारायण, जिसका अपहरण हुआ था, वो अब सुरक्षित घर लौट आई है। इस केस में जिन तीन लड़कों को अरेस्ट किया गया था वो निर्दोष पाए गए हैं और पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन इस किडनैप के पीछे जो असली गुनहगार है वो अभी भी फरार है।